अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हेयंगवीना प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीवेक्षलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभो श्रीमन मन मथ मोहनम नटवरम श्रीबाल कृष्णम भजे। बाल कृष्ण मम हृदय नित कंठ लाडली लाल मस्तक मथुराधीश प्रभो ब्रज जन के सुखपाल। असतगिर समस्या कज्जलं सिंधुपात्रे सुरतवरन शाखा लेखनी पत्रमुर्भिर् लिखदि अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तपगुणानामीशपारं नयाति। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। पूज्य सद्गुरुदेव श्री श्री जी बाबा महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए सभी भक्त वैष्णव अपने मन और बुद्धि को भगवान गौरी शंकर के चरणों में स्थापित करने के लिए हमारे साथ पाठ करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभो व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं विशालं प्रसन्नाननं
पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। अकारण करुणालय लाडले लाल भगवान श्री बाल कृष्ण प्रभु की सहज प्राप्त अनुकंपा से श्रावण मास के पावन पर्व पर कोरोना महामारी से विश्व को निजात दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना के रूप में दादी परिवार त्रिपुर के संयोजन से शिव पुराण की पावन कथा आप लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। श्रावण मास में कथा सुनने का बहुत महत्व है। भगवान की कथा के बारे में बतलाया गया है जैसे बहुत सारे चिड़िया कबूतर एक जगह दाना चुग रहे हों और कोई अचानक जाकर के जोर से ताली बजा दे, सारे परिंदे उड़ जाते हैं। इसी प्रकार हमारे हृदय पटल पर अनेक प्रश्न, अनेक संदेह, अनेक संशय, अनेक हमारा अज्ञान चिड़ियों के रूप में दाना चुग रहा है। ये कथा कैसे हुई, ये प्रश्न कैसे संभव हुआ, अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, भगवान ने ऐसा कैसे किया, ऐसा क्यों किया, ये लीला क्यों हुई, ये बहुत सारे संशय हैं। भगवान की कथा वह ताली है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जहां भगवान की कथा हम श्रवण करते हैं, हमारे हृदय पटल पर जितने भी संशय हैं सब दूर हो जाते हैं, हमें भगवान की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत हम लोगों ने शिव पुराण की महिमा जानी। जाने अनजाने में कितने भी पाप हो जाएं, यदि शिव पुराण की कथा सुन ली जाए, इस जन्म में अनेक प्रकार के सुख भोग भोग करके मृत्यु के उपरांत शिव लोक की प्राप्ति होती है। और खाली शिव लोक की प्राप्ति नहीं,
परांबा पार्वती का प्रेम, परांबा पार्वती की कृपा, भगवान शंकर के गणों में प्राथमिकता पर हमारा चयन हो जाता है और सभी प्रकार के सुखों का लाभ हमें मिलता है। भगवान के शिव पूजन की विधि बतलाई गई, शिवरात्रि का महात्म बतलाया गया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को पहली बार शंकर भगवान का दर्शन शिवरात्रि के दिन अग्नि के स्तंभ के रूप में हुआ था। प्रार्थना करी, आप कौन हैं, तो भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और शिवलिंग से फिर भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए और कहा, ये शिवलिंग मेरा निराकार रूप है और मैं साकार रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूं। अपने हृदय से परांबा शिवा भगवती पार्वती को प्रकट किया, अपने बाएं अंग से भगवान ने विष्णु भगवान को प्रकट किया, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने शिव की प्रार्थना करी, भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा, अब ब्रह्मा सृष्टि रचेंगे, ब्रह्मा विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति और ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची जाएगी, इसी सृष्टि क्रम में मैं रुद्र के रूप में प्रकट होऊंगा, अर्थात भगवान शंकर दूसरा अवतार रुद्र के रूप में इस संसार में विराजेंगे, ब्रह्मा जी सृष्टि रचेंगे, विष्णु जी सृष्टि का पालन करेंगे और श्री रुद्र सृष्टि का संहार करेंगे, ये तीनों देवता आपस में समान ही होंगे। जो भगवती शिवा शिव के हृदय से प्रकट हुई हैं, उन्होंने भी अपने अंग से तीन देवियां प्रकट करी। वामांग से लक्ष्मी जी, जिन्होंने श्रीमन नारायण का भगवान विष्णु का वरण किया, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दाएं अंग से अथवा कहीं कहीं वर्णन है कि इनकी वाणी से उनका उद्गम हुआ, शिवा की वाणी से जो देवी प्रकट हुई उनका नाम सरस्वती रखा गया, उनका विवाह श्री ब्रह्मा जी के साथ में हुआ। अब ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची जा रही है, कल हमने यहां तक कथा श्रवण करी थी। ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को रचा, तदुपरांत 10 मानस पुत्रों को रचा। इन 10 मानस पुत्रों में मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग मेरी तरह तपस्या करें और फिर सृष्टि रचें। नारद जी को छोड़कर बाकी के 9 पुत्रों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार कर ली और तपस्या करने के लिए चले गए। नारद जी ने मना कर दिया, हे पिताश्री, मैं सृष्टि नहीं रचूंगा, मैं तो केवल परमात्मा का भजन करूंगा। नारद जी के निर्णय से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और श्रीमन नारायण ने प्रसन्न होकर के नारद जी को वीणा प्रदान करी। देवदत्तामिमां वीणां सुरब्रह्म विभूषितां, उसी वीणा को लेकर के नारद जी हमेशा भगवान का गुणगान गाते रहते हैं। नारायण 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 जपते रहते हैं। ब्रह्मा जी ने दाहिने अंग से एक पुरुष को रचा, बाएं अंग से एक स्त्री को रचा। स्त्री का नाम है शतरूपा और पुरुष का नाम है स्वयंभुव मनु। दोनों का विवाह कराया गया। इस सृष्टि में सबसे पहला विवाह स्वयंभुव मनु और शत्रुपा रानी का हुआ है। अंग्रेजी में अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाए, ऊपर कोमा और सामने एस, ग्रामर के अनुसार वो संबंध कारक हो जाता है। इसी प्रकार संस्कृत में आधा सा और पूरा या स्य लगाया जाए तो वो संबंध कारक हो जाता है। जैसे कस्य किसका, अस्य इसका, तस्य उसका, यस्य जिसका। स्वयंभू मनु के द्वारा जो संतति रची गई है उसका नाम मनुष्य पड़ गया। स्वयंभू मनु को मनु महाराज भी कहते हैं, मनु कहते हैं मनुष्य। हम सभी स्वयंभू मनु के ही वंशज हैं।
पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा पूर्वज बंदर था तो उनका होगा, अपना नहीं है, हम तो स्वयंभू मनु की संतान हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। बोलो गौरी शंकर भगवान की। स्वयंभू मनु के द्वारा तीन कन्याओं को रचा गया। पहली कन्या का नाम है आकुति, देवहूति द्वितीय कन्या है, और तीसरी है प्रसूति। नहीं तुम सही हो, वो चला रहे मोबाइल, बाकी लौट जा रही है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में किया गया। कितना बढ़िया जमाना था कि पति पत्नी विवाह के उपरांत तपस्या करने में लग जाते थे। एक निर्जन सदन स्थान पर जाकर के दोनों पति पत्नी तपस्या कर रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांगो। दोनों ने एक मति से एक ही वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो। आकुति पत्नी का नाम है, स्वयंभू मनु की बड़ी बेटी है, और रुचि प्रजापति इनके पति हैं। दोनों के यहां भगवान ने यज्ञ अवतार लिया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ माने संकल्प। हर व्यक्ति के हृदय में कोई ना कोई शुभ संकल्प होना चाहिए। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्प कर्म भव करही। त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवत प्राप्ति होती थी। राजा दशरथ ने शतानंद जी को बुला करके पुत्र कामेष्टि, संगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और उनके यहां भगवान पधारे। विश्वामित्र यज्ञ करने लगे, बाधा आई, लेने गए, भगवान पधारे। जनक जी भी धनुष यज्ञ कर रहे थे, भगवान पधारे। और सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। जहां जहां यज्ञ हो रहे थे भगवान ने वहां जा जा करके दर्शन दिया। ये प्रमाण है कि यज्ञ करने से भगवत प्राप्ति होती है। हमें नित्य यज्ञ करना चाहिए। पहले वेदी बनाई जाए, फिर समझा लाई जाए, फिर घी, फिर साकल्य तैयार कराया जाए। बड़ा काम करना पड़ता है यज्ञ करने में। महाराज हमसे ऐसा यज्ञ नहीं होगा, फिर कैसे यज्ञ करें। ज्ञान की आहुति जलाई जाए, जगाई जाए, और वासनाओं का उसमें शमन किया जाए। वासनाओं के शाकल की आहुति दी जाए। ज्ञान की तो अग्नि जल रही है, और रोज हम कोई ना कोई बुरी आदत उसमें खत्म करें। यही सबसे बड़ा यज्ञ है कि आज से हम ये वाला गलत कार्य नहीं करेंगे। ऐसा हम लोगों को संकल्प यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ भी चार प्रकार के बतलाए गए हैं। निर्गुण यज्ञ, जिसमें केवल भगवत प्राप्ति का ही एकमात्र लक्ष्य हो, निर्गुण यज्ञ कहलाता है। सात्विक यज्ञ, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सभी की कामना के लिए यज्ञ किया जाए। जैसे ये शिव पुराण की कथा हो रही है, ये सात्विक यज्ञ हो रहा है। इसमें विश्व मंगल की कामना करी जा रही है। कोरोना महामारी से सबको मुक्ति मिले, सब फिर से धन धान्य से संपन्न हो, सब लोग रोग मुक्त हो जाएं, सब लोग सभी प्रकार से प्रसन्न रहें। जो भी भक्त वैष्णव यूट्यूब पर इस कथा को देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो अपने स्वजनों को इसको आगे बढ़ाएं, फॉरवर्ड करें, इसका प्रचार करें कि शिव पुराण में घर बैठे मात्र 3 घंटे भगवान गौरी शंकर की मनोहारी कथा हम लोग सुन रहे हैं, आप भी सुनिए। ऐसा आप लोगों का कर्तव्य बनता है। ये आप लोगों के द्वारा यज्ञ में डाले जाने वाली आहुति के बराबर होगा। किसी प्रकार का यहाँ धन का विनियोग नहीं कहा जा रहा है आप लोगों से कि आप धन का विनियोग कीजिए या कोई दान पुण्य का विनियोग कीजिए। यहाँ केवल कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कथा सुनने का लाभ मिले। कल दादी परिवार त्रिपुर से फोन आया था, बोले गुरुजी आपके शिष्यों को भी आप लोग बतलाएं
अपने रिश्तेदारों को भी बतलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग कथा सुनेंगे। चार महीने से घर में रहकर इस महामारी का सामना करते करते मन में जो एक डिप्रेस जैसी भावना आ गई है, तुच्छ भावना आ गई है, उस भावना का शमन होगा। भगवान की लीलाओं को सुनने से मन में प्रसन्नता आएगी, मन के विकार दूर हो जाएंगे, मन में प्रसन्नता के साथ साथ हिम्मत आ जाएगी दुनियादारी को झेलने की, हर स्थिति का सामना करने की। इसलिए जो उनको भी हम जानते हैं, जिनसे भी हमारा परिचय है, उनको YouTube के लिंक हम आगे प्रसारित कर दें कि भैया केवल 3 घंटे बैठ करके शिव पुराण की कथा सुननी है, क्यों ना श्रावण मास के पावन पर्व पर ऐसा आनंद लिया जाए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं, भगवान ने यज्ञ अवतार लिया है, निर्गुण यज्ञ बिना कामना के भगवान की भक्ति पाने के लिए किया जाता है, सतोगुणी यज्ञ सभी की मंगल कामना करते हुए किया जाता है, रजोगुणी यज्ञ केवल अपना धन वैभव ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे राजसूय यज्ञ जैसे अश्वमेघ यज्ञ, ये अपनी समृद्धि के लिए किए जाते हैं। और चौथे हैं तामसी यज्ञ, दूसरों का विनाश करने के लिए जो किया जाए। कमाल है, विश्वामित्र आदि मुनि जन जब यज्ञ करते हैं तो राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के पहरा देते हैं और यज्ञ को संपन्न कराते हैं, सफल कराते हैं। और जब रावण और मेघनाद इन राक्षसों के द्वारा यज्ञ किया जाता है तो भगवान बंदर भालुओं को भेजकर उस यज्ञ को विध्वंस कराते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रावण मेघनाद आदि के द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा है वो निजी स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए है, हमारा बल बढ़ जाए और हम लोगों का खून पिए, हम लोगों का अपहरण करें, हम लोगों की हत्या कर दें, अपने राज्य का विस्तार करें, चारों तरफ आतंक फैलाएं, आतंकवादियों को प्रश्रय दें। नहीं नहीं, ऐसे यज्ञ भगवान कभी भी पूरा नहीं होने देते, स्वयं उनको विनाश करते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ के साथ उनकी पत्नी नारायण की पत्नी लक्ष्मी दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई और सभी को आदेश दिया कि यथाशक्ति सबको यज्ञ करना चाहिए। आकुति के बाद स्वयंभू मनु की द्वितीय कन्या का नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र करदम ऋषि के साथ में हुआ। करदम जो अपनी इंद्रियों का दमन करता रहे उसका नाम है करदम। और पत्नी का नाम क्या है? बोले देवहूति, जिसने अपने इष्ट देव को अपना सब कुछ मान करके अपने आप को समर्पण कर दिया हो, जो अपने देव की हो गई हो, इष्ट देव की हो गई हो, उसका नाम है देवहूति। पहले इनके यहां 9 कन्याओं ने जन्म लिया, 10वें भगवान नारायण कपिल रूप में इनके यहां पधारे। इनकी पहली कन्या का नाम है अरुंधति। अरुंधति का विवाह श्री वशिष्ठ जी के साथ में हुआ। हमारे सनातन इतिहास की सबसे पहली पढ़ी लिखी विदुषी महिलाएं हैं अरुंधति जी। अरुंधति का एक अर्थ है अ माने नहीं, रुंधति माने रोती, जो कभी भी किसी भी स्थिति में रोती नहीं है उसका नाम है अरुंधति। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में उतराव चढ़ाव ना आते हों। अच्छे दिन बुरे दिन सभी के जीवन में आते हैं। राम जी भी 14 वर्ष के लिए वन में जाते हैं, राम जी भी जनता के ऊट पटांग प्रश्नों का सामना करते हैं, राम जी को भी पत्नी का विछोह होता है, कृष्ण कन्हैया को तो पता नहीं कहां कहां नहीं भागना पड़ता, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका और द्वारका आकर के भी कहां कहां नहीं जाना पड़ा। जब कभी हमारे ऊपर कोई कष्ट पड़े तो हमें भगवान के भक्तों की कथा याद कर लेनी चाहिए। क्या हमारे ऊपर भगवान के भुआ के बेटे पांडवों से ज्यादा कष्ट पड़ रहा है?
बिल्कुल नहीं, उनसे 10% भी नहीं है। क्या मीराबाई से ज्यादा कष्ट पड़ रहा है? बोले बिल्कुल नहीं है। क्या सुदामा से ज्यादा हमारी स्थिति है? नहीं नहीं, उनसे तो हम अभी बहुत अच्छे हैं। कहने का तात्पर्य कि जब कभी जीवन में कठिनाइयां आए तो हमें रोना नहीं है, अरुंधति की तरह अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हुए उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। एक संत बहुत बढ़िया बात कहते थे, कोई आता था, बाबा बड़ा दुखी हूं, बहुत परेशानी में हूं, बोले कहीं भी अपने घर में लिख लो, यह भी दिन नहीं रहेगा। इतना बढ़िया सेंटेंस है, कहीं भी लिख लिया जाए और उसको पढ़ लें तो निश्चय ही विश्वास होगा, बोले हाँ यह दिन नहीं रहेगा और अच्छा समय जरूर आएगा। हर अवस्था में प्रसन्नता बनाए रखना चाहिए, ये अरुंधति जी का सिद्धांत है। देवूति कर्दम की अगली कन्या का नाम है कला। कला का विवाह मरीचि के साथ में हुआ। देवूति की अगली कन्या का नाम है गति। गति का विवाह पुलह नाम के ऋषि के साथ में हुआ। देवूति की अगली कन्या का नाम है क्रिया। क्रिया का विवाह क्रतु नाम के ऋषि के साथ में हुआ। अगली कन्या का नाम है ख्याति। ख्याति का विवाह भृगु नाम के ऋषि के साथ में हुआ, जिनके चवन नाम के ऋषि ने जन्म लिया। भृगु के पुत्र हैं चवन, चवन के दधीची। हर पीढ़ी में एक से एक प्रतापी ऋषि हुए हैं। देवहूति कर्दम की अगली कन्या का नाम है हविर्भू। हविर्भू का विवाह पुलस्त नाम के ऋषि के साथ में हुआ। पुलस्त के विश्रवा नाम के ऋषि ने जन्म लिया और विश्रवा के दो पत्नियां हैं, उनसे चार पुत्रों ने जन्म लिया, कुबेर जी, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। देवहूति कर्दम की अगली कन्या का नाम है अनसुईया। ये नौ कन्याएं हैं। अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में हुआ। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करहीं जोग जब तप तन कसही। अत्रि ऋषि कई काम करते थे जो हम लोगों को भी करने चाहिए। क्या करते थे? करहीं जोग, योग किया करते थे। स्वास्थ्य सिद्धि के लिए नित्य योग करना परम आवश्यक है। जप, नाम जप करना चाहिए। जाप में तीन चीज याद रखनी है कि गायत्री मंत्र का जाप नित्य निरंतर करना है, रोज करना है। एक ही माला करें पर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐश्वर्य बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, चेहरे पर तेज बढ़ता है। ये भूत प्रेत उपल्ला पराया, इन सबसे लड़ने की ताकत आती है। गायत्री मंत्र से बहुत सारे फायदे हैं। दूसरा, गुरु मंत्र का जाप रोज करना चाहिए। पहला, गायत्री मंत्र का जाप रोज करना चाहिए। दूसरा, गुरु मंत्र का जाप रोज करना चाहिए। और तीसरा, इष्ट देव के मंत्र का जाप रोज करना चाहिए। हालांकि गुरुदेव हम देख करके ही बनाते हैं। कृष्ण भक्त गुरु बनाएंगे, राम जी के भक्त गुरु बनाएंगे। जो शिव जी के भक्त हैं वो देख लेंगे कि हमारे गुरुदेव शिव के ही भक्त हैं ना, तो ही हम गुरु बनाए हैं। फिर भी यदि लगा के गुरु जी तो निकले राम जी के भक्त और चेला मान रहा है कृष्ण जी को, और गुरु मंत्र ले लिया तो एक माला गुरु मंत्र की करनी है, एक माला गायत्री मंत्र की करनी है और एक माला अपने इष्ट मंत्र की करनी है। कम से कम तीन माला हर व्यक्ति को करनी ही चाहिए। करहीं जोग जप तप तन कसही। पहला काम योग करना है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। शरीर स्वस्थ है तभी हम धर्म और कर्म दोनों काम कर पाएंगे। जाप करना चाहिए। तीसरा काम, तपस्या करनी चाहिए। और ये तीनों काम सफल कब होते हैं? जब अपनी गृहिणी का पूर्ण सहयोग होता है।
घरवाली का पूरा सहयोग होगा तो हर काम हमारा सफल होगा। अनसुईया जी का तप जो है वो सहयोग के रूप में है। अत्रि ऋषि जो भी करते हैं अनसुईया जी का उनको पूरा सहयोग रहता है। तीनों देवताओं के लिए लोगों ने क्या, नारद जी ही करते हैं नई नई लीलाओं का उद्गम। लक्ष्मी जी नारायण से, पार्वती जी भगवान शंकर से, सरस्वती जी ब्रह्मा जी से कहती हैं कि जाओ तीनों के तीनों अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लो। तीनों देवता भिक्षुक के रूप में आ गए। ओम भगवतीम भिक्षाम देई। क्या चाहिए भिक्षा में? बोले आप अनावरण होकर के हमें भिक्षा प्रदान करें, वस्त्र हटा करके। देवी ने कहा मेरे यहां से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। जल का छींटा मारा, तीनों देवताओं को छोटा बालक बना लिया और मां होकर के, मां क्या देती है? बोले दूध पिलाती है। तीनों बालकों को भिक्षा के रूप में दूध पिलाया, मर्यादा भी रह गई और तीनों की इच्छा भी पूरी हो गई। ऐसी तपोनिष्ठ थी श्री अनसुईया जी। और आगे कथा आएगी कि अनसुईया जी के भगवान शंकर ने अवतार लिया, दुर्वासा बनकर के प्रकट हुए। भगवान नारायण दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। श्री ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए। ये कथा विस्तार से आगे सुनाई जाएगी। स्वयंभू मनु शत्रुपारानी, उनके वंश का वर्णन चल रहा है। इन नौ कन्याओं से सारा संसार अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। देवहूति कर्दम की तीसरी कन्या का नाम है प्रसूति। कहीं प्रसूति के 16 कन्याएं बतलाई गई हैं और कहीं 24 कन्याएं बतलाई गई हैं। इनमें सबसे पहली जो कन्या है उनका नाम है सती। सती का विवाह भगवान शिव के साथ में हुआ। दूसरी कन्या है स्वाहा। स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ में हुआ। जब अग्नि में आहुति डाली जाती है तो स्वाहा का उच्चारण हर आहुति पर करना चाहिए। तीसरी कन्या है सुधा। सुधा का विवाह पितृश्वरों के साथ में हुआ। जब तर्पण किया जाता है पितृश्वरों को तो तर्पण करते समय तस्मयी सुधा ऐसा संबोधन किया जाता है, ऐसा उच्चारण किया जाता है। प्रसूति और दक्ष के 16 कन्याएं हैं, जिनमें 3 कन्याओं का विवाह अलग अलग कर दिया गया। अब 13 कन्या जो हैं वो धर्म के लिए विवाही गई हैं। धर्म की 13 पत्नियां हैं, अर्थात धर्म के 13 लक्षण हैं। एक कल्पना करी जाए कि हम नीचे की मंजिल में हैं और भगवान ऊपर की मंजिल में हैं। सीढ़ियां चढ़कर के हमको भगवान के पास पहुंचना है, भगवत प्राप्ति करनी है। कितनी सीढ़ियां चढ़नी है? बोले 13 सीढ़ियां चढ़नी है। सीढ़ी का नियम है कि एक सीढ़ी पर पांव जम जाए तब हम दूसरा कदम दूसरी सीढ़ी पर रखें। एक जमा नहीं, दूसरे पे प्रयास किया, फिसल गए, दुर्घटना हो जाएगी। धर्म की 13 पत्नियों के नाम बतलाए जा रहे हैं। ये धर्म के 13 लक्षण हैं। हमें अपने आप में खोजना चाहिए कि हमारे अंदर कितने लक्षण हैं। जिस प्रकार कांच के शीशे के सामने खड़े होकर, दर्पण के सामने खड़े होकर हम अपने आप को देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। बाल बराबर काढ़े के नहीं, कपड़े बराबर पहने के नहीं, काजल ठीक लगा के नहीं लगा। इसी प्रकार सत्संग रूपी शीशे में बैठ करके हमें देखना चाहिए कि हम अंदर से कैसे लग रहे हैं, हम कितने पापी हैं और कितने पुण्यात्मा हैं, हमारे द्वारा कितने अच्छे कार्य होते हैं और कितने बुरे कार्य होते हैं, हम कितने प्रतिशत सदाचारी हैं और कितने हम दुराचारी हैं। सदाचार से सुख प्राप्त होता है और दुराचार से दुख प्राप्त होता है। आइए
सत्संग में बैठ करके अपने आप को जरा देखें, जैसे कोई कहते ना अपनी अलमारी जमा लें, कौन से खंड में क्या रखा हुआ है, व्यवस्थित है कि नहीं, जरा उसको देख लें। सिद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितीक्षा ह्री मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्या। धर्म की पहली पत्नी का नाम है श्रद्धा। भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता है। चाहे कोई गिरिराज जी की परिक्रमा करे, चाहे कोई वैष्णो देवी पैदल चल के जाए, कोई अमरनाथ की यात्रा करे या मानसरोवर यात्रा करे, जान जोखिम में डाल करके, कोई किसी के कहने पर नहीं करता। क्यों करते हैं? बोले श्रद्धा के कारण करते हैं। श्रद्धा है तो धर्म है, श्रद्धा नहीं है तो धर्म नहीं किया जा सकता। भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए, तभी हम सच्चे धार्मिक कह पाएंगे अपने आप को। धर्म की दूसरी पत्नी का नाम है मैत्री। सबसे मित्रता रखनी चाहिए, किसी से भी हमें बैर नहीं करना चाहिए। नारायण या जगत में सबसे मिलिए धाये, ना जाने का उवेश में नारायण मिल जाए। हिलके चलो, मिलके चलो, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे पे जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। सबसे मित्रता रखनी चाहिए। आज के जमाने में सबसे पहली मित्रता अपने भाइयों से होनी चाहिए, अपनी पत्नी से मित्रता होनी चाहिए। अपने यहां कोई नौकर चाकर सेवक भी है तो उससे भी मित्रता होनी चाहिए, उसका भी दुख दर्द हम जान सकें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और मीडिया के द्वारा हम पता नहीं कहां कहां मित्र खोजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, दूसरे की रिक्वेस्ट आ जाए तो इंक्वायरी करते हैं। दूर दूर तो हम दोस्त बना रहे हैं, लेकिन जो हमारे घर में हैं, हमारे साथ हैं, जो हमारे काम आने वाले हैं, जिनसे हमारा काम पड़ता है, जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारा भला करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, हमारे लिए त्याग करते हैं, उनको हम मित्र नहीं बना रहे हैं और दुनिया में मित्र खोज रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला घर वालों को मित्र बनाएं। जब बेटा की और पिता की चप्पल का साइज एक हो जाए तो कहावत है कि पिता पुत्र को भी मित्र की तरह रहना चाहिए। सबसे पहली मित्र पत्नी होनी चाहिए, पति पत्नी को आपस में मित्र की भांत रहना चाहिए, भाई भाई को मित्र की तरह रहना चाहिए। राम जी ने पहला मित्र भरत जी को बनाया, दूसरा मित्र निषाद राज को बनाया, तीसरा मित्र सुग्रीव जी को बनाया जो सौदेबाजी कर रहे थे कि पहले ताड़ के वृक्षों को हिला करके दिखाओ कि दुंदुभी नाम के राक्षस की हड्डियों को हटा करके दिखाओ। चौथा मित्र विभीषण को बनाया, शत्रु का भाई, राम जी का मित्र। धर्म कहता है मित्रता करो, लेकिन समझदारी से करो। पहला लक्षण श्रद्धा, दूसरा है मैत्री, तीसरा है दया। प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण, जब तक प्राण है तब तक दया नहीं छोड़नी है। दया को हिंदी में लिखें और उल्टा कर दें, क्या बनेगा? याद। यदि मन में दया है तो भगवान की याद आती रहेगी, और दया नहीं है तो भगवान की याद नहीं आएगी। धर्म की चौथी पत्नी अर्थात चौथा लक्षण है शांति। सबसे पहला काम मन में शांति, दूसरा परिवार में शांति, तीसरा मोहल्ले में शांति। अपने व्यक्तित्व को इतना विकास कर लें कि हम शांति की स्थापना कर सके। कहीं झगड़ा हो तो लोग कहें उनको बुला लो जी, वो शांति करा देंगे, उनके आने से वातावरण शांत हो जाता है।
महावीर स्वामी जहां वन में विराजमान हो जाते तपस्या करने के लिए, एक एक योजन चार चार किलोमीटर तक कोई हिंसा नहीं कर पाता था। हम लोगों को चाहिए कि अपने अंदर शांति की व्यवस्था करें कि घर में कैसे शांति रहेगी, मन में कैसे शांति रहेगी। धर्म का पांचवा लक्षण है तुष्टि माने संतुष्टि। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भगवान ने हमको जितना दिया है पर्याप्त है, इसी में हमको प्रसन्न रहना है, प्रयास करना है। आज आधे से ज्यादा लोग दुखी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्यों दुखी हैं? बोले सामने वाला क्यों सुखी है, बस इसी बात पर दुखी हो रहे हैं। नहीं, भगवान ने हमको जो दिया है जितना दिया है उसी में हमको प्रसन्न रहना है। ये हमारे धर्म की मर्यादा है। हमारा धर्म आक्रमण करना नहीं सिखाता है, किसी की जगह दबाना नहीं सिखाता है, किसी का हिस्सा मारना नहीं सिखाता है, चोरी करना नहीं सिखाता है, अपहरण करना नहीं सिखाता है, आतंक फैलाना नहीं सिखाता है। हमारा धर्म हमें संतुष्ट रहने की आज्ञा देता है कि मन में संतोष रखो, संतोषी सदा सुखी। धर्म का अगला लक्षण है पुष्टि माने मन की प्रसन्नता। वो काम करो जिससे मन प्रसन्न रहे। शाम को सोने से पहले रात्रि में एकाग्र होकर के एकांत में सोचना चाहिए, आज हमने क्या क्या बुरा किया और क्या क्या अच्छा किया। कोई बुरा काम हो जाता है तो हमारा मन धिक्कारता है, भाई ऐसा नहीं करेंगे, ये काम बड़ा गलत हो गया, अब नहीं करेंगे। और अच्छा काम हो जाता है तो मन करता है अरे मौका मिलेगा तो फिर करेंगे, बार बार करेंगे, अब की बार और अच्छा करेंगे। ये जो अच्छा काम करके मन में प्रसन्नता हो रही है इसी को पुष्टि कहा गया है। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने भगवान की सेवा प्रणाली को, सेवा मार्ग को पुष्टि मार्ग नाम दिया। भगवान सेवा करने से प्रसन्न होते हैं, वात्सल्य भाव से और कांत भाव से भगवान की सेवा करो, ठाकुर जी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म का अगला लक्षण है क्रिया। हमें अच्छी क्रियाएं करनी चाहिए। कोई सिगरेट पी रहा है हम नहीं कह सकते कि ये धार्मिक है। कोई ताश खेल रहा है हम नहीं कह सकते कि ये धार्मिक है। हाँ, कोई आरती कर रहा है या मंदिर में ठाकुर जी की परिक्रमा कर रहा है, गिरिराज बाबा की परिक्रमा कर रहा है अथवा भगवान को प्रणाम कर रहा है, तो हम देखते ही कह देंगे उसकी क्रिया को देख करके। उसे हम जानते नहीं है, उसका नाम नहीं मालूम है, खाली हम उसको क्रिया करते देख रहे हैं, इतने से ही कह देंगे कि ये धार्मिक है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। सवेरे उठ करके आंख खुलते ही हमको प्रातः स्मरण करना चाहिए, धरती को माथे से लगाना चाहिए, माँ है हमारा वजन उठा रही है, खाने की पीने की नहाने की रहने की हर वस्तु हमें धरती से मिल रही है, हमें धरती को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, घर में हमसे जो भी बड़ा है उसको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। और जो कार्य अस्त्र शस्त्र से नहीं हो पाता, जो काम इंद्र कुबेर नहीं कर पाते, वो काम आशीर्वाद से बड़े सहज में हो जाता है। हमारी क्रियाएं धार्मिक होनी चाहिए, सरल सहज पारदर्शी होनी चाहिए। धर्म की अगली पत्नी का नाम है उन्नति। धृतराष्ट्र के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल संजय के द्वारा बतलाया जा रहा है। आप तुम्हारे इतने पुत्र मार डाले भीम ने, फलाने ने वो मार डाला, देखा के पांडव बढ़ रहे हैं और कौरव घट रहे हैं, धृतराष्ट्र सहन नहीं कर पा रहे हैं अपने वंशजों का घटना,
आखिर में बोले तुम ये बता दो तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भ्रूतिर्ध्रुवानी तिर्मतिर मम। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है जहां अर्जुन धनुर्धारी है और सबसे बड़ा बोले जहां पर सत्य है जहां धर्म है वहां उन्नति होनी ही होनी है। सत्यमेव जयते, धर्म करने वाले को उन्नति मिलेगी। धर्म का लक्षण है उन्नति। धर्म की अगली पत्नी का नाम है बुद्धि। धर्म में लगने से बुद्धि अच्छी हो जाती है, बुद्धि का विकास होता है। यदि हम उन्नति चाहते हैं, यदि हमें अपनी बुद्धि का विकास करना है तो हमें धर्म करना चाहिए। जब जब जैसे जैसे हो जाए, जितना हो जाए धर्म में लगना चाहिए। कोई छोटा बच्चा अपनी दादी के साथ मंदिर जाए तो लोग कहेंगे देखो इसकी बुद्धि अच्छी है, मंदिर जा रहा है। कोई बच्चा दादाजी के साथ बैठ करके माला लेकर के भजन करे बोले देखो कितना बढ़िया है। कोई पैर छूता है बोले हाँ ये आदमी अच्छा है, देखते ही प्रणाम करता है, सम्मान देता है, बुद्धि अच्छी है इसलिए कर रहा है। धर्म से बुद्धि बढ़िया हो जाती है। धर्म की अगली पत्नी का नाम है मेधा। मेधा माने स्मरण शक्ति, याददाश्त। धर्म में लगने से याददाश्त बढ़ती है। पहले ऋषियों को बहुत याद रहता था, भूत वर्तमान भविष्य सब बता दिया करते थे। कहां से आती थी ये शक्ति बोले धर्म करने से आती थी। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, माला लेकर के बैठो, जैसी माला लेके आप बैठोगे सारा हिसाब किताब याद आएगा, सारे घर वालों के वचन डायलॉग याद आएंगे, आगे क्या करना है वो याद आएगा, अलमारी में क्या रखा है वो याद आएगा, कितना उधार दे रखा है, कितना उधार लाना है, कितना चुकाना है, सारी चीजें माला लेते ही याद आने लग जाती हैं। धर्म में लगने से याददाश्त बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। धर्म की अगली पत्नी का नाम है तितीक्षा। निर्मल स्वभाव। तितीक्षा का अर्थ है किसी से अपेक्षा नहीं और किसी की उपेक्षा नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। जहां जाए वहीं आनंद है, ये नहीं कि वहां जाए बोले वहां तो हमारा दुश्मन है वहां हम नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं जामवंत जी महाराज आपको लंका जाना है, उससे पहले अंगद जी से कहा, अंगद जी ने कहा चला तो जाऊंगा लेकिन फिरती बार कछुक संदेह। उनको संदेह है क्योंकि भक्ति थोड़ी कम है भी, और हनुमान जी भगवान की भक्ति में रमे हैं, धर्म में लगे हैं, उनको ना आने में डर है ना जाने में डर है। तितीक्षा का भाव मन में रखना चाहिए। धर्म की अगली पत्नी का नाम है लज्जा। हिरी शब्द कहा गया है संस्कृत में, हिरी हिरी माने लज्जा। लोक लाज जरूर होनी चाहिए। सच्चा धार्मिक वही है जो लाज की चिंता करता है, जिसे लज्जा रहती है अरे ये काम मत करो लोग क्या कहेंगे, ये काम हमारी मर्यादा के विपरीत है, इससे हमारे पुरखों का नाम नीचा होगा, हमारे गुरुदेव का नाम नीचा होगा, हमारे घर वाले कहेंगे कि ये तुमने क्या कर दिया। लोक लज्जा ध्यान में रखनी चाहिए। लोक लज्जा से जुड़ी हुई कई क्रियाएं भी हैं। अच्छे कर्म करना लोक लज्जा का एक हिस्सा है। जब भी हम पाठ पूजा करें तो हमें पुरुषों को धोती पहन के ही और माताओं को जो हमारा भारतीय वस्त्र है साड़ी पहन के ही करना चाहिए। जब भी हम पाठ पूजा करें तो सिर ढक करके करना चाहिए। आज भी गुरुद्वारों में कोई भी व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो बिना सिर ढके नहीं जा सकता है। पहले आचार्य और ऋषि सभी लोग सिर ढक करके रहते थे। सेठ लोग राजस्थान में हो चाहे यूपी में सब लोग पाग बांधा करते थे। सब जगह की अलग अलग पाग हैं। माताएं साड़ियों के ऊपर ओढ़ना, पीला चुंदली,
अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग चीज ओढ़ने की होती थी, उत्तरीय कहते हैं संस्कृत में उसे। भगवान की जब भी हम नित्य नियम करें, पाठ पूजा करें, जप करें, किसी मंदिर में हम जाएं, कथा में जाएं, कीर्तन में जाएं, किसी भी धार्मिक कार्य में जाएं, हमें सिर ढक करके ही वहां प्रस्तुत होना चाहिए। इसे कहते हैं लज्जा। लज्जा की दुश्मन है फैशन। जहां फैशन आ जाती है वहां लज्जा का सत्यानाश हो जाता है। धर्म की अगली पत्नी का नाम है मूर्ति। 13वीं पत्नी है मूर्ति। जब इतने लक्षण हम में आ जाएंगे तो हमारी पूजा मूर्ति की तरह होने लग जाएगी। चाहे हम श्रद्धा रखें या मैत्री, दया रखें या शांति, हमारे स्वभाव में ये सब आ जाए तो सब लोग हमको अपने आप प्रणाम करने लग जाएंगे। जैसे मूर्ति की पूजा हर जगह होती है, समाज में हमारी भी पूजा होने लग जाएगी, हमें भी सम्मान मिलने लग जाएगा। आगे कथा आएगी कि दक्ष ने 60 कन्याओं को रचा। 60 कन्याओं को क्यों रचा? बोले एक बार की बात है, दक्ष महाराज ने 10,000 पुत्रों की रचना करी। कथा में से कथाएं निकलती हैं, जैसे गंगा जी की धाराओं में से बहुत सारी धाराएं निकलती हैं और फिर गंगा जी में मिल जाती हैं, इसी प्रकार कथाओं की व्यवस्था है। बीच में श्री नारद जी ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज दक्ष की कथा बाद में सुनाना, पहले हम जानना चाहते हैं कि कुबेर को धन का पद भगवान शंकर ने क्यों दिया, उसे ऐश्वर्य का देवता क्यों बनाया गया, कुबेर ने ऐसा कौन सा उपाय किया था, कृपा करके हमें बतलाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान भोलेनाथ करुणा के अवतार हैं, करुणावतार हैं, इसी की कथा सुना रहे हैं कि भगवान कितने करुणावतार हैं। कांपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था और यज्ञदत्त ब्राह्मण का एक बेटा था जिसका नाम है गुणनिधि। नाम तो है गुणनिधि पर गुण एक भी नहीं है, दुर्गुण उसमें अनेक आ गए थे। दुराचारी हो गया, चोरी करने लगा, मदरापान करने लगा, माता पिता का कहना नहीं मानता था। सामाजिक में जो व्यवस्था है उसके विपरीत काम करने लगा, असामाजिक हो गया, घर से निकाल दिया गया, कोई उसे अपने पास नहीं बिठाता है, हर जगह से कहा जाता है यहां से जाओ, आगे बढ़ो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। गांव के बाहर निकाल दिया गया। एक दिन भूख लग रही थी बहुत जोर से, जब कोई पास में नहीं बिठाता है तो खाने को ही कौन देगा, भूख बहुत जोर से लग रही है, चलो शंकर जी के मंदिर में चलें, वहां जाने से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ प्रसाद तो वहां पर होगा। रात हो गई है, रात में शंकर जी के मंदिर के निकट पहुंचा, जैसे तैसे मंदिर में घुस गया लेकिन मंदिर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधकार बहुत है। अब आग लगाने का यंत्र तो मिल गया है, माचिस तो मिल गई है, लेकिन जलाया क्या जाए जो देर तक जला रहे। इसने अपना ही दुपट्टा, रेशमी दुपट्टा जो ओढ़े हुए था, उसी में आग लगा दी और दुपट्टे को आगे बढ़ाया, जैसे हम रोशनी देखने के लिए मशाल आगे बढ़ाते हैं, शंकर भगवान की तरफ इसने वो दुपट्टा आगे बढ़ाया। शंकर जी के सामने प्रसाद रखा हुआ था, इसने झट से प्रसाद उठा लिया और प्रसाद पा लिया, पकड़ा गया, राजा के पास ले जा गया। बोले महाराज नगर के शिव मंदिर में चोरी करता हुआ रंगे हाथ पकड़ा है। राजा ने कह दिया मृत्यु दंड दे दो। जिन लोगों का नाम बार बार अपराध में आता रहता है उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। बोले ये तो व्यावसायिक अपराधी हैं, इनको तो समाप्त करना चाहिए, समाज में कलंक है ये, मृत्यु दंड दे दिया गया।
यमदूत आ गए लेने के लिए। यमदूत ले जाने ही वाले थे कि अचानक शिवदूत आ गए। शंकर के दूतों ने कहा, ए ठहरो, कहां ले जा रहे हो इसको? बोले पापी है, यमलोक ले जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं, अब ये यमलोक नहीं जाएगा, ये तो शिवलोक जाएगा। अरे चोर, मंदिर में चोरी करने वाला, असामाजिक, आतंकवादी, अपराधी, इसने कौन सा सुकृत कर दिया है, अच्छा काम कर दिया है जो ये नरक में नहीं जाएगा, शिवलोक जाएगा? बोले इसने भगवान शंकर के आगे दीपक जला दिया है। इसने जो वस्त्र जलाया था उसको भगवान भोलेनाथ ने दीपक मान लिया है। जो भगवान शंकर के सामने प्रकाश करते हैं, दीपक जलाते हैं, उनका सारा अज्ञान समाप्त हो जाता है, उनके ज्ञान की वृद्धि होती है। और खाली ज्ञान की नहीं, उनके वैभव की वृद्धि होती है। ये शिवलोक में जाएगा। वारे भोलेनाथ, कैसे कैसे लोगों पर रीझ जाते हैं, कैसे कैसे कृपा कर देते हैं। भगवान शंकर ने इसको पुनर्जन्म प्रदान किया और अगले जन्म में कलिंग नाम के राज्य के अरिंदम नाम के राजा का ये पुत्र हुआ। अरिंदम अपने बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पाल रहे हैं, बहुत सारी कलाएं सिखाना चाहते हैं, गुरुकुल में भेजना चाहते हैं, लेकिन बेटा बचपन से ही भगवान भोलेनाथ का भक्त है और रोज मंदिर में जाकर के शिव भगवान के मंदिर में दीपक जलाता है। हम लोगों को अपना आचरण ऐसा बना लेना चाहिए कि भगवान कृपा करने के लिए मजबूर हो जाएं। संतों ने एक बहुत बढ़िया पद गाया है, एक सिद्धांत है हमारे गुरुदेव का, आप लोग भी हमारे साथ बोलेंगे। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। तेरे नाम से जो भी भूला रहेगा, तेरे नाम से जो भी भूला रहेगा, तो समझो बड़ा ही वो नादान होगा, तो समझो बड़ा ही वो नादान होगा। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। उसी को तो हर दम लगन तेरी होगी, उसी को तो हर दम लगन तेरी होगी, कि जिस पर तू खुद ही मेहरबान होगा, कि जिस पर तू खुद भी मेहरबान होगा। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। जिसने भी हृदय में तुझको टटोला, जिसने भी हृदय में तुझको टटोला, लगा खाक बन में क्यों हैरान होगा, लगा खाक बन में क्यों हैरान होगा। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। जिकर जिस जगह हर घड़ी तेरा होगा,
जिकर जिस जगे हर घड़ी तेरा होगा, जिकर जिस जगे हर घड़ी तेरा होगा, जिकर जिस जगे हर घड़ी तेरा होगा, वो बैकुंठ साही वो स्थान होगा, वो बैकुंठ साही वो स्थान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। अरि मर्दन राजा का बेटा नित्य भगवान शंकर के मंदिर में दीपक जगाने के लिए जाता है, सुबह भी और शाम भी। घर में कोई बालक की बुद्धि कमजोर हो, बालक ही नहीं किसी की भी, चाहे वो महिला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, युवा हो, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के दीपक जगाने चाहिए। राजा के बाद राजा ने अपने बेटे को राज सिंहासन पर बिठा दिया, और जब ये अरिंदम का पुत्र कलिंग का राजा बना, राजा बनते ही पहला जो प्रस्ताव पास किया गया वो प्रस्ताव बड़ा जोरदार है। क्या? बोले नगर में जितने भी शिव मंदिर हैं सब में नित्य प्रति दीपक जलाया जाएगा, और नगर के हर व्यक्ति को दीपक जलाना आवश्यक होगा। जैसे सभी को हाउस टैक्स इनकम टैक्स देना पड़ता है, इसी प्रकार हर नागरिक को अपने मोहल्ले के शंकर भगवान के मंदिर में दीपक जलाना अनिवार्य होगा। दीपक जलाने से हमारा भाग्य जागता है, पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब हम भगवान भोलेनाथ के सामने दीपक रख करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो भगवान शंकर को प्रसन्नता होती है। दीपक जगाते समय हमारे मन में जो भी कामना है वो कामना हमारी निश्चय ही पूर्ण हो जाती है। भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा वरदान मांगो। कमाल का वरदान मांगा। बोले महाराज केवल आपकी भक्ति चाहिए, आपके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, केवल मैं आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम अगले जन्म में कुबेर पद को प्राप्त करोगे। किसी किसी मनमंत्र में कथा और है, भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले आप के धाम में रह करके आपकी भक्ति करना चाहता हूं। भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी कि तुम काशी में चले जाओ। काशी में जाकर के ये तपस्या करने लगा, 1000 वर्ष नहीं 10000 वर्ष तक तपस्या करी, और तपस्या भी कैसी कि हड्डी के ऊपर खाल चिपक गई, मांस नाम की चीज नहीं है शरीर में, एकदम जर्जर हो गया है, केवल वायु ही ग्रहण करते हुए भगवान शंकर का जाप कर रहा है। नहाते धोते खाते पीते हर समय एक ही चिंतन, भगवान भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी ने कहा पार्वती मैं अपने एक प्रिय भक्त को दर्शन देने के लिए जा रहा हूं, जो हर समय मेरा ही चिंतन करता है, मेरे ही नाम का जाप करता है, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां, उसका मन सब कुछ मुझ में ही समर्पित है। पार्वती ने कहा हम भी चलेंगी, हम भी तो चल करके देखें कि ये है कौन ऐसा जिसकी इतनी आप बढ़ाई कर रहे हैं। आप हर भक्त की बढ़ाई नहीं करते हो महादेव, आओ चलो आप भी हमारे साथ चलो। अरिंदम पुत्र के सामने जाकर के जब शंकर पार्वती प्रकट हुए, कहा बस आंखें खोलो। अरिंदम ने गौरी शंकर को प्रणाम किया, भगवान शंकर को प्रणाम किया, फिर पराम्बा पार्वती को प्रणाम किया। पार्वती जी के बारे में कुछ जानता नहीं है, जो बड़े गौर से उनकी तरफ देखने लगा। मन में विचार आ रहा है
मैं तो सोच रहा था कि जिस प्रकार मैं भोलेनाथ को प्रेम करता हूँ ऐसे भोलेनाथ मुझे प्रेम करते होंगे, पर इनके बगल में ये कौन खड़ा है, लगता है ये मुझसे भी ज्यादा प्रिय हैं, इसलिए भगवान शंकर के बगल में विराजमान हैं। अभी मेरी तपस्या में कमी है, मैं अभी भगवान के निकट बैठ नहीं सकता हूँ, भगवान की निकटता अभी मैंने नहीं पाई है। बड़े घूर करके पार्वती जी को देखने लगा, पार्वती जी के मन में कुविचार आ गया कि लगता है ये मेरी तरफ कुदृष्टि से देख रहा है, लगता है ये मेरी तरफ वासना की दृष्टि से देख रहा है। पार्वती जी ने श्राप दे दिया, तुम्हारी आंख नष्ट हो जाए। कमाल है, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन भगवान शंकर के मंदिरों में प्रकाश करने में लगाया हो और उसकी आंख नष्ट हो जाए, शंकर भगवान ये सहन नहीं कर पाए। भगवान भोलेनाथ ने श्री पार्वती जी से कहा, देवी ये तुमने क्या कर डाला, ये मेरा प्रिय भक्त है, ये आपको वासना की दृष्टि से नहीं देख रहा था, ये प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से देख रहा था कि मुझसे ज्यादा मेरे स्वामी को कौन प्रिय है जो मेरे बगल में विराजमान है। ब्रह्मा पार्वती ने वरदान दिया, तुरंत उसकी आंखें आ गईं और कहा, आज से इसका नाम कुबेर होगा, इसने मुझसे बैर किया है लेकिन कुभाव से नहीं किया, मैं इसका नाम आज से कुबेर रख रही हूं। भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, मेरे ही नगर कैलाश के समीप में अलकापुरी नाम की एक नगरी बनाओ जो कुबेर की राजधानी रहेगी। और सारे देवताओं को बुलाया, देवताओं के राजा इंद्र को बुला करके भगवान शंकर ने घोषणा कर दी, आज से ऐश्वर्य का राजा कुबेर होगा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे परमानन्द माधवं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुबेर की कथा के साथ रुद्र संहिता का सृष्टि खंड विराम हुआ, अब सती खंड प्रारंभ हो रहा है। नारद जी कथा सुन रहे हैं, जब नारद जी को नारद मोह हो गया था, भगवान विष्णु को श्राप दे डाला, जब होश आया बोले अरे मुझसे तो पाप हो गया, अब मैं क्या करूं, तब भगवान विष्णु ने कहा, बोले शंकर की कथाओं में मन लगाओ, भगवान शंकर के तीर्थों में जाओ, भगवान शंकर के नाम का जाप करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, मन का विकार नष्ट हो जाएगा। तभी श्री नारद जी ब्रह्मा जी के पास आए और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए, नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनसे जो उत्तर दिए गए वही कथा रुद्र संहिता का द्वितीय खंड, जिसे सती खंड भी कहते हैं, हम और आप श्रवण कर रहे हैं। श्रीमन नारद जी ने प्रश्न कर दिया ब्रह्मा जी के लिए, हे ब्रह्मा जी मैं जानना चाहता हूं कि सती का जन्म किस प्रकार हुआ, सती का विवाह भगवान शंकर के साथ कैसे हुआ, जब सती इतनी प्रिय थी तो श्री शंकर भगवान ने सती का त्याग क्यों कर दिया, भगवान महादेव का विवाह सती के साथ कैसे हुआ, ये सारी कथाएं कृपा करके आप हमें बतलाएं, ये सती पार्वती कैसे बनी, हिमालय के यहाँ ही इनका जन्म क्यों हुआ, भगवती सती के बारे में मेरे सारे प्रश्नों का निराकरण आप करिए। एक साथ बहुत सारे प्रश्न कर दिए श्री ब्रह्मा जी महाराज, भगवान शंकर को प्रणाम करके कथा कहने लगे। यस्यांके च विवाचे भूधुरसुता देवापगामस्तके भाले बाल
विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्यालरार सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा शर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु मां। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। एक बार की बात है, महाराज दक्ष जैसे देवताओं में राजा इंद्र हैं, ऐसे एक पद बनाया जाता था प्राचीन काल में प्रजापति। देवता, ऋषि और सनातन धर्म को मानने वाले जो भी लोग हैं वो प्रजापति को सबसे ऊपर मानेंगे, जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति होता है। दक्ष प्रजापति थे, ब्रह्मा के द्वारा 10 पुत्रों में इनकी रचना हुई, मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु। सृष्टि क्रम चल रहा था, एक बार सायंकालीन समय है, ब्रह्मा जी के अंग से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या का नाम संध्या रखा गया, शाम के समय प्रकट हुई है, शाम को संध्या कहते हैं। ब्रह्मा जी उसको रच करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे, आहा मेरे द्वारा कितनी सुंदर स्त्री रची गई है, उसकी सुंदरता को निहार रहे हैं। देवताओं ने कहा, महाराज सुंदर ये कन्या रची है, एक सुंदर आपको पुरुष भी रचना चाहिए। नारद श्री ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न में वातावरण में हैं, अपने कृतित्व से कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम कर देता है तो बड़ा प्रसन्न रहता है, लोगों को बतलाता है, देखो ये मैंने किया है, मैंने कराया है, मेरे द्वारा हुआ है। एक तरफ संध्या को प्रकट कर दिया, दूसरे तरफ ब्रह्मा जी के द्वारा एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जिसे हम और आप कामदेव के नाम से जानते हैं। कटी प्रदेश एकदम सिंह जैसा, वक्षस्थल जिसका चौड़ा, आंखें जिसकी मछली जैसी, बाल जिसके घुंघराले, वर्ण जिसका एकदम मेघ श्याम। ब्रह्मा के और जो 10 पुत्र हैं वो इसे भावुक होकर के देखने लगे, लोग उसका नामकरण करने लगे, हे पिताशी इसका क्या नाम होना चाहिए। वशिष्ठ ने कहा, ये हमारे मन को मथ रहा है, इसका नाम मनमत रखा जाए। किसी ने कहा, ये हमारे मद को बढ़ा रहा है, इसका नाम मदन रखा जाए। किसी ऋषि ने इसका नाम कंदर्प रख दिया। तुम्हारा जैसा कोई सुंदर कोई इस विश्व में नहीं है, किसी ने इसका नाम मनोज रख दिया। ब्रह्मा जी ने इस पुरुष का नाम काम रख दिया। अब लोग कहने लगे, जब काम प्रकट कर दिया है तो इसकी पत्नी भी होनी चाहिए। ब्रह्मा ने कहा कि इसकी भी उत्पत्ति थोड़े समय के बाद होगी। दक्ष के द्वारा अपनी पत्नी जिसका नाम है वारणी, उससे रति की उत्पत्ति की गई और ब्रह्मा के आज्ञा से रति और कामदेव का विवाह कराया गया। एक ऐसा ये देवता है, ऐसा व्यक्ति है जिसकी गणना विकारों में भी होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और इसकी गणना देवताओं में भी होती है। और इंद्र का ये फास्ट फ्रेंड है, इंद्र का परम मित्र है काम। हमें कैसे अपनाना चाहिए, इसको विकार के रूप में देखना चाहिए या देवता के रूप में देखना चाहिए? श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में 1 अध्याय में श्री ब्रह्मा जी प्रियव्रत राजा के लिए जो उपदेश देते हैं उसमें कहा कि काम के साथ हमारा संतुलन होना चाहिए, बिना काम के जीवन बेकार है, कोई कहीं घूम रहा है, अरे कहां जा रहे हो, बोले फलाने काम से जा रहा हूं, अरे बढ़िया आदमी है काम से जा रहा है। और कोई एक काम से जाए और दो काम करके लाए, चार काम करके लाए, बोले अरे ये तो बहुत ही समझदार व्यक्ति है, एक साथ कई काम बना लेता है।
और कोई व्यक्ति घूम रहा है, अरे कहाँ जा रहे, बोले हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं, बोले ये निकम्मा है, ऐसे कोई काम नहीं है, ये बेकार है। बिना काम वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं मिलता है। काम बहुत जरूरी है लेकिन मर्यादा के साथ, संतुलन के साथ। काम देव क्रोध देव नहीं है, लोभ देव नहीं है, मोह को देवता नहीं कहा गया है, मदमत्सर्त को देवताओं में गणना नहीं है, काम देव। हमारी हर कामना सदाचार से सजी हुई होनी चाहिए। हमारी हर कामना हमारे इष्ट देव के साथ जुड़ी हुई हो कि हम उनको पलना झुलाएं और उनको देख करके आनंदित होते रहें, उनका विवाह उत्सव मनाएं, उनका जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण जन्म महोत्सव मनाएं, हम उनको आज गुलाबी घटा में गुलाबी झूला में झुलाएं, उनको आज हम मूंगे का श्रृंगार धराएं। हमारी कामनाएं हमारे इष्ट से जुड़ी होनी चाहिए। हमारी कामनाओं में स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हम अकेले सुखी रहें, ना, हमसे हमारी पत्नी भी सुखी हो, हमारे बच्चे भी सुखी हो, हमारे माता पिता भी सुखी हो, हमारे बंधु बांधव भी हमसे प्रसन्न हो। हमारी कामनाएं अच्छी होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए, सबको प्रसन्न रखने वाली होनी चाहिए। रति का विवाह कामदेव के साथ हुआ और कामदेव के एक मित्र हैं जिनका नाम है बसंत, ब्रह्मा ने उनको भी उत्पन्न कर दिया। दक्ष के पसीने से रति की उत्पत्ति हुई। कामदेव को बुला करके कन्यादान कर दिया। कामदेव और रति दोनों साथ में विचरण करते हैं। इधर जो संध्या नाम की देवी को रचा गया था वो देव सरोवर के किनारे जाकर के तपस्या करने लगी। तब वहां पर वशिष्ठ जी पधारे। श्री वशिष्ठ जी ने संध्या का दर्शन किया, बहुत सुंदर हैं, मन को आकर्षित कर रही हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे संध्या तप कर रही हैं। निकट में देव सरोवर, वहां वशिष्ठ जी का नित्य आना जाना। संध्या का दर्शन करने पर मन में इच्छा जगी कि हमें ये पत्नी के रूप में प्राप्त हो, लेकिन मर्यादा है, कैसे क्या किया जाए। वशिष्ठ जी ने संध्या से कहा, देवी आपका तपस्या करने का लक्ष्य क्या है। जीवन की प्रसन्नता, मेरा जितना भी जीवन बीते वो प्रसन्नता के साथ बीते। देखो आप भगवान शंकर की पूजा करो, भगवान शंकर का जाप करो, शिव भक्ति करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। देव सरोवर के किनारे शिवलिंग बना करके संध्या शिव स्तुति करने लगी, शिव प्रार्थना करने लगी। निराकारम ज्ञानगम्यम परम येनैव स्थूलम नापि सूक्ष्म न चोच्चम अंतचिन्त्य योगि विस्तव्य रूपम तस्मै तुभ्यं लोककर्ते नमोस्तु। सर्वं शांतं निर्मलं निर्विकारं ज्ञानगम्यं स्वप्रकाशे अविकारं स्वात्मप्रख्यं द्वान्तमार्गास्परस्ताद् रूपम यस्य त्वां नमामि प्रसन्नम्। भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो। बोले महाराज मैं अपने जीवन में प्रसन्नता चाहती हूँ। कहा कि ये शरीर तुम्हारा बस इतना ही है, इतनी ही आयु है, अब तुम्हें देवहूति और करदम के यहाँ अरुंधति के रूप में जन्म मिलेगा, श्री वशिष्ठ जी के साथ तुम्हारा विवाह होगा और तब जाकर के तुम्हारे जीवन में हमेशा प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहेगी। जैसा भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी वैसा ही हुआ। देवहूति करदम के पहली कन्या के रूप में संध्या ने जन्म लिया और इनका नाम अरुंधति रखा गया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में हुआ। वशिष्ठ जो विशेष शिष्ट हैं, विशेष जानकार हैं, विशेष एक्सपर्ट हैं, उनका नाम है वशिष्ठ। ब्रह्मा के बाद सबसे ज्यादा तपस्या वशिष्ठ ऋषि ने की है। जहां ब्रह्मा जी को चल करके आना पड़ा कि वशिष्ठ मेरी इच्छा है कि आप सूर्यवंश के कुलगुरु बन जाएं,
नहीं नहीं हम कुलगुरु नहीं बनेंगे, अपने से ज्यादा जजमान का ध्यान रखना पड़ता है। कमाल है, वशिष्ठ बनेंगे नहीं, और किसी की तपस्या इतनी नहीं है, कैसे काम बनेगा। ब्रह्मा जी ने लोभ दिया, बोले इसमें सूर्य वंश में भविष्य में राम अवतार होगा, त्रिलोकी के पति मनुष्य बनकर के आएंगे और तुम उनके गुरु कहलाओगे, रामायण लिखी जाएगी, कहा जाएगा राम जी के गुरु कौन थे, बोले वशिष्ठ जी महाराज थे। पिताजी कब होगा ये अवतार, ब्रह्मा जी ने कहा पहले सतयुग, फिर द्वापर युग, फिर त्रेता युग, त्रेता के अंत में ये अवतार होगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा। एक काम करिए, त्रेता को पहले और द्वापर को बाद में कर दो, तो मैं कुलगुरु बनने के लिए तैयार हूं। कैसी तपस्या है श्री वशिष्ठ महाराज की, ब्रह्मा जी को अपने संविधान में परिवर्तन करना पड़ा और श्री ब्रह्मा जी महाराज ने त्रेता युग पहले कर दिया, द्वापर बाद में, तभी श्री वशिष्ठ कुलगुरु बनने के लिए स्वीकृत हुए। धर्म में जो अवरोध नहीं करे उसे अरुंधति कहते हैं। पतिदेव कोई भी धार्मिक कार्य करें, सवेरे 4 बजे उठ करके पुष्करणी में स्नान करके तिरुपति के दर्शन करने हैं तो पत्नी को भी साथ जाना चाहिए, बोले हम भी चलेंगे। शिगिरिराज जी की परिक्रमा करनी है तो पत्नी को भी साथ जाना चाहिए, बोले हाँ हम भी आपके साथ रहेंगे। सब लोग अरुंधति से सबको सीखना चाहिए कि हर समय पति पत्नी मिलकर के रहें, एक दूसरे के पोषक बनकर के रहें। अरुंधति और वशिष्ठ जी का विवाह हुआ, इधर कामदेव और रति का विवाह हुआ। इन दो विवाहों को देख करके श्री ब्रह्मा जी के मन में इच्छा जागृत हुई, क्यों ना भगवान शंकर का विवाह कराया जाए। श्री ब्रह्मा जी ने निमंत्रण देकर के सारे देवताओं को बुलाया और सारे देवताओं को एकत्रित करके ब्रह्मा जी विष्णु जी के धाम में पहुंचे और श्री विष्णु जी से प्रार्थना करी, बोले महाराज हम और सभी देवता, और मैं जानता हूं कि आप भी चाहते होंगे कि भगवान शंकर का विवाह कराया जाए। भगवान शंकर के विवाह लीला को सब लोग अपनी आंखों से देख करके तृप्त होना चाहते हैं, आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। क्या करना चाहिए आप लोग बताइए, क्या करना चाहिए। हे विष्णु, आप बोलने में बड़े चतुर हैं, आप बड़े विनम्र हैं, हमारा निवेदन है कि आप भगवती शिवा से प्रार्थना करें कि शिवा अवतार लेकर के पृथ्वी पर आए, भगवान शंकर को मोहित करें, भगवान शंकर को विवाह करने के लिए राजी कर लें, स्वीकृति ले लें और भगवान भोलेनाथ का विवाह शिवा सती के साथ में हो, तभी ये उत्सव हो पाएगा, तभी हमें आनंद मिल पाएगा। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, आपका जो संकल्प है, आपकी जो इच्छा है वो बहुत ही अच्छी है, सबको सुख देने वाली है। मुझे याद आ रहा है कि जब भगवान भोलेनाथ ने हमें और तुम्हें प्रकट किया था, तब अपनी शिवा को भी प्रकट किया था, दर्शन कराए थे और उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी जी हमारी पत्नी होंगी, तो हमारा विवाह हो गया, लक्ष्मी जी हमें प्राप्त हो गई, सरस्वती जी तुम्हें प्राप्त हो गई, अब तो शिवा को ही उमा के रूप में अवतार लेना है, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। सारे देवता भगवती शिवा से प्रार्थना करने लगे, हे माँ, आपको अवतार लेकर के पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा, आपके दरबार से कोई खाली नहीं जाता है, आपके दरबार की महिमा वास्तव में निराली है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे आप सबकी कामना पूरी करती हैं ऐसे हमारी भी कामना पूरी करें। ये प्रार्थना करी जा रही है दिव्य शक्ति की, जो शिव के हृदय से प्रकट हुई है, उस शक्ति को हम राधा रानी भी मान सकते हैं, दुर्गा भी, चंडिका भी, वैष्णो देवी भी, जिनका जिनमें मन लगता हो वो उनका
ध्यान करते हुए हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। हमारा मन श्री राधा रानी में लगता है, हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो अवतार ले। राधे तेरे दरबार की महिमा निराली है, राधे तेरे दरबार की महिमा निराली है। ओ मैया तेरे दरबार की महिमा निराली है, माता तेरे दरबार की महिमा निराली है। वो भरते हैं दामन यहाँ कोई गया नहीं खाली है, भरते हैं दामन यहाँ खाली है। बिन मांगे ही पूरी होती मुराद यहाँ, बिन मांगे ही पूरी होती मुराद यहाँ। ओ खुशियों से गाते हुए हर जाता सवाली है, खुशियों से गाते हुए हर जाता सवाली है। भरते हैं दामन यहाँ कोई गया नहीं खाली है, भरते हैं दामन यहाँ तेरे दरबार की महिमा निराली है, राजा तेरे दरबार की महिमा निराली है। इसे संसार ठुकराए उसे मिलता सहारा है, संसार ठुकराए उसे मिलता सहारा है। ओ उसका क्या बिगाड़े कोई है, जो सेवक सरकारी है, उसका क्या बिगाड़े कोई जो सेवक सरकारी है। महिमा निराली है, तेरे दरबार की महिमा निराली है। इनकी कृपा से मिलता सहारा है, इनकी कृपा से मिलता सहारा है। ओ इनकी कृपा से ही मिलता किनारा है, इनकी कृपा से ही मिलता किनारा है। अपने भगतों की खुद करती रखवाली है, अपने भगतों की खुद करती रखवाली है। वो भरते हैं दामन यहाँ कोई गया नहीं खाली है, भरते हैं कोई गया नहीं खाली है।
महिमा निराली है काली तेरे दरबार की, महिमा निराली है वृंदावन है धाम तेरा, लगे भक्तों की धारा है वृंदावन है धाम तेरा, लगे भक्तों की धारा है लगे भक्तों को प्यारा है झुंझुनू है धाम तेरा, लगे भक्तों को प्यारा है। ओ पूजा जो करे कोई उसके तो दिवाली है, पूजा जो करे कोई उसके तो दिवाली है। ओ भरते हैं दामनिया कोई गया नहीं खाली है, भरते जो दामनिया कोई गया नहीं खाली है। ओ राधे तेरे दरबार की महिमा निराली है, राधे तेरे दरबार की महिमा निराली है। बोलो राधा रानी की जय, बोलो रानी सती दादी की जय। सभी देवताओं ने प्रार्थना करी, माँ अंबिका जगदम्बिका देवताओं के सामने प्रकट हो गईं, कहा सभी वरदान मांगिए। सभी देवताओं ने अपना मुखिया भगवान विष्णु को बनाया। विष्णु ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और कहा, हे देवी, बिना शक्ति के कोई कार्य संभव नहीं होता है, आपको अवतार लेना चाहिए। जगत नियंता जगदीश भगवान साक्षात ईश्वर शिव का वरण करना चाहिए, सृष्टि की रचना करनी चाहिए, तब जाकर के यह सृष्टि पूर्ण संपन्नता को प्राप्त करेगी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं सभी देवता कि आप इस पृथ्वी पर अवतार लें और भगवान शंकर का वरण करें। श्री अंबिका ने कहा, आपका वचन सत्य होगा, मैं बहुत जल्दी अवतार लेकर के आऊंगी, लेकिन मुझे जहां अवतार लेना है वो सदपात्र होना चाहिए। इशारा दे करके जगदम्बिका अंतर ध्यान हो गई। सारे देवता जय जयकार करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु आपस में इशारा समझ गए। ब्रह्मा ने अपने पुत्र दक्ष से कहा कि तुम्हें जगदम्बा की तपस्या करनी होगी, तपस्या करके शिवा को प्रकट करना होगा, वरदान मांगना होगा, और शिवा तुम्हारे ही घर में तुम्हारी ही पत्नी के गर्भ से अवतरित होंगी। भगवान शंकर तुम्हारे यहाँ ही बारात लेकर के आएंगे। और भी आगे की योजना श्री विष्णु श्री ब्रह्मा जी ने दक्ष के लिए बतलाकर सारे देवता अपने अपने धामों के लिए चले गए। महाराज दक्ष तपस्या करने के लिए प्रस्तुत हुए, अपने महल में पराम्बा देवी का मंदिर बनाया, सोने के सिंहासन पर माता को विराजमान करके 3000 वर्ष तक तपस्या करी। एक ही प्रार्थना है, पत्नी के सहित तपस्या कर रहे हैं। प्रसीद भगवत्याद्ये प्रसीद शिवरूपणी प्रसीद भक्त वरदे जगन्माये नमोस्तुते। हे माँ आप हमें दर्शन दीजिए, हे माँ आप हमें दर्शन दीजिए, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। 3000 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। दक्ष ने पत्नी के सहित उनको प्रणाम किया, अर्घ दिया, आसन दिया,
षोडशोपचार से पूजा करी, भोग लगाया, प्रणाम करके परिक्रमा करी, दोनों हाथ आगे फैला करके घुटनों के बल दक्ष देवी के सामने विराजमान हो गए। माँ, मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। माता ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। हे जगदम्बे, आप हमारे घर में पुत्री के रूप में अवतरित हो, हम आपके माता पिता बनने का परम सौभाग्य पाना चाहते हैं, जो आपकी कृपा से ही संभव होगा। भगवती प्रसन्न हो गई और कहा, ब्रह्मा और विष्णु से हमारी वार्ता हो चुकी है, देवताओं ने भी तपस्या करी है, देवताओं ने भी प्रार्थना करी है अवतार लेने की, और तुम्हारी भक्ति देख करके दोनों पति पत्नी धन्यवाद के पात्र हैं, हम तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे, तुम्हारी पत्नी वीरणी हमारी माँ बनेंगी, आप हमारे पिता कहलाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, जिस दिन आपका मन हमसे हट जाएगा, जिस दिन आप हमारा या हमारे पति देव का अपमान कर देंगे, उसी दिन हम आपको त्याग देंगे। आपको क्या, हम इस संसार को ही त्याग देंगे, तभी तक हम इस संसार में विराजमान रहेंगी, जब तक आप हमारा सम्मान करते रहेंगे। दक्ष ने प्रणाम किया और कहा, हे जगदम्बे के, ऐसा क्षण कभी भी नहीं आएगा कि हम आपसे अलग हो सकें। प्रजापति वीरण की पुत्री अशकनी से दक्ष का विवाह ब्रह्मा के द्वारा जो योजना बनाई गई है, दक्ष जो तपस्या कर रहे हैं, पार्वती जिनके यहाँ सती जन्म लेने वाली हैं, उनकी कथा विस्तार से बतलाई जा रही है शिव पुराण में, कि महाराज दक्ष का विवाह प्रजापति वीरण की पुत्री अशकनी से हुआ, जिसका नाम वीरणी भी है, जिसे वारणी भी कहा गया है। इनके यहाँ सबसे पहले 10,000 पुत्रों ने जन्म लिया, इन 10,000 पुत्रों को हरियश्व नाम दिया गया। दक्ष ने कहा, पुत्रों तुम लोग तपस्या करो और तपस्या करके सृष्टि रचो। दक्ष के 10,000 पुत्र सृष्टि रचने के लिए नारायण सरोवर में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। भगवान नारायण की इच्छा नहीं है कि इतने लोग एक साथ गृहस्थी बने और आबादी बढ़ जाए, जनसंख्या बढ़ जाए, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाए, कौन इनको रोक सकता है। बोले, जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम नारद जी ही कर सकते हैं। भगवत इच्छा से श्री नारद जी बीच रास्ते में मिल गए, दक्ष पुत्रों का रास्ता रोक लिया। श्रीमन नारायण 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 नारायण, नारद जी हम आपको प्रणाम करते हैं, कहाँ जा रहे हो तपस्या करने, क्या करोगे तपस्या करके। बोले, गृहस्थी बनेंगे। क्या करोगे गृहस्थी बन करके। बोले, सृष्टि रचेंगे। अरे, सृष्टि रचना गृहस्थी बनना ये तो साधारण लोगों का काम है, पशु भी पुत्र उत्पन्न कर लेते हैं। पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, पहले परमहंस अवस्था को जानना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप, मेरी कुछ पहेलियां हैं बतलाओगे। हाँ हाँ, पूछिए ना। तदैकं पुरुषं राष्ट्रं विलं च दृष्टमिर्गं निर्गमं बहुरूपां श्रियं चापि पुमांश पुंशलीपतिं। एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, बताओ। नहीं मालूम। एक ऐसी स्त्री है जिसे नित्य नया पति चाहिए, रोज पति बदलती है, कौन है वो। नारद जी, हम नहीं जानते, आप बताइए। एक ऐसा बिल है जिसमें घुसने का रास्ता है, निकलने का नहीं है, आप ही बतला दो। अच्छा बताओ, एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है। नारद जी, हमारे पास जवाब नहीं है आपके प्रश्नों का, आप ही बतलाइए आप क्या कहना चाहते हैं। तदैकं पुरुषं राष्ट्रम, ये शरीर एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक पुरुष रहता है, वो है परमात्मा, आत्मा के रूप में रहता है। जब तक आत्मा है शरीर में, तब तक शरीर की वैल्यू है, सम्मान है। जो आत्मा निकली, कहते हैं जल्दी से इसको जलाओ, निकालो, हटाओ, ले जाओ जल्दी से। दोनों तरफ जो नदी बहती है वो है भगवान की माया, जिसका पार किसी ने नहीं पाया।
जो नित नया पति खोजती है वो है मनुष्य की बुद्धि, जिसमें नित नए विचार आते रहते हैं। आज फैक्ट्री डाल देंगे, आज पेट्रोल पंप खोल देंगे, आज मील लगा देंगे, नित नए विचार मनुष्य की बुद्धि में चलते रहते हैं। एक ऐसा बिल जिसमें घुसने का रास्ता है निकलने का नहीं है, बोले वो है गृहस्थ आश्रम। दूलो फूलो सो फिरे आज हमारो ब्याह, तुलसी गाय बजाय के दियो काठ में पाह। सेठ जी के जितना बड़ा बेटा था उतना ही बड़ा नौकर था। सेठ जी ने अपने बेटे का विवाह किया, बड़े धूमधाम से। नौकर ने देखा हम भी विवाह करेंगे, कई साल हो गए गांव नहीं गए, सेठ जी हमारे सारे पैसे इकट्ठे करके हिसाब लगा के दे दो, घर जाएंगे विवाह करेंगे। सेठ जी बोले थोड़े दिन और रुक जा, कर लेना, मेरे यहां तो हमें जल्दी थी इसलिए जल्दी कर लिया, तो थोड़ा आराम से कर लेना। नहीं नहीं मैं भी विवाह करूंगा, आपने अपने बेटे का कर लिया, मुझे भी विवाह करना है। सेठ जी ने पैसा दे दिया, अब गांव जा रहा है, कौन कौन को बुलाना है, क्या क्या मिठाई बनवानी है, कौन सा बैंड बजेगा, उसको नहीं बुलाऊंगा उससे मेरा झगड़ा चलता है। रास्ते भर योजना बन रही है विवाह करने की। पैदल का जमाना था, पैदल चला करते थे। रास्ते में एक बगीची आई, कुएं के ऊपर आधा पत्थर ढका हुआ था, आधे कुएं में से लोग जल खींचा करते थे, चना खाए पानी पिया वहीं पत्थर पर लेट गया। अब नींद आई तो सपना आया कि शादी हो गई है, धर्म पत्नी आके बगल में सो रही है और एक बेटा भी हो गया है। और बेटे ने गीला कर दिया बिस्तर और पत्नी कह रही है सुनो जी बिस्तर जरा गीला हो गया, थोड़ा सरको। अब वो नींदों में ही थोड़ा सा सरक गया कुएं की तरफ, सपने में और आनंद आ रहा है। अब दूसरा बच्चा हो गया, दो दो बच्चे पति पत्नी के बीच में सो रहे हैं, दूसरे बच्चे ने भी गीला कर दिया। अब पत्नी ने कहा सुनो जी बहुत कम जगह है, थोड़ा और सरको। अब की बार जो सरका सीधा कुएं में गया, धड़ाम, हाथ पैर टूट गए, जैसे तैसे बाहर निकाला, गांव नहीं गया, लौट करके सेठ जी के पास आ गया। सेठ जी बोले क्यों विवाह हो गया? बोले सपने में हुआ तो हाथ पैर टूट गए, सच्चे में हुआ तो पता नहीं क्या क्या टूटेगा, अभी थोड़े दिन और प्रसन्न रह लें, बाद में तो जंजाल में घुसना ही है। जैसे ही गृहस्थ को जंजाल बताया, दक्ष के सारे पुत्र तपस्या करने चले गए, सदमार्ग पर लग गए, बाबा जी बन गए। दक्ष को मालूम पड़ा, उन्होंने अब की बार 1000 पुत्र रचे जिनको हर्यश्व कहा गया, 10,000 को हर्यश्व और 1,000 को शबलाश्व कहा गया। नारद जी ने उनको भी सदमार्ग पर लगा दिया। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याएं रची, 27 चंद्रमा के लिए दे दी, 10 धर्म के लिए, 13 कश्यप जी के लिए, 2 भूत के लिए, 2 अंगिरा के लिए, 2 कृशाश्व के लिए और 4 अरिष्टनेमी के लिए 60 कन्याओं का कन्यादान कर दिया। नारद जी ने देखा बहुत दिन हो गए कोई दक्ष ने सृष्टि नहीं रची, दक्ष पुत्र दिखाई नहीं दिए बहुत दिन से, चलूं चल करके पूछते आऊं। नारायण नारायण करते नारद जी दक्ष के जैसे ही प्रांगण में पहुंचे, महल में पहुंचे, और जो दक्ष ने नारद जी को देखा, दक्ष का संतुलन बिगड़ गया, बहुत जोर का क्रोध किया। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे ननस्त्रया। ए नारद किसने तुमको साधु कह दिया है? तुम तो साधु के वेश में पाखंडी हो, तुम तो असाधु हो, तुमने मेरे पुत्रों को बहिर्मार्गी बना दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जितनी देर गाय का दूध निकलता है उतने समय से ज्यादा कहीं भी रुकोगे तो सिर फट जाएगा, तुम्हारे सिर में भयंकर पीड़ा हो जाएगी। दक्ष ने पूरी ताकत लगा के शकल बिगाड़ दी, क्रोध करता है तो शकल बिगड़ जाती है आदमी। दक्ष ने तो श्राप दिया, नारद जी बढ़िया शकल बना के प्रसन्न होकर के नाचने लगे। ए हमने तुमको श्राप दिया और तुम नाच रहे हो, पागल हो क्या? बोले जी आपने बहुत बढ़िया काम किया, एक जगह रुकते तो वहां के लोगों से मित्रता हो जाती, संपर्क हो जाता, रिश्तेदारियां बन जाती, कोई धर्म भाई बन जाता, कोई धर्म बहन बन जाती,
आपने श्राप दे दिया, ना कहीं हम ज्यादा रुकेंगे और ना ही किसी से हमारा प्रेम होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दक्ष के यहां देवताओं की इच्छा है देवी का जन्म हो। देवी वरदान देकर के गई हैं दक्ष को कि मैं तुम्हारे यहां जन्म लूंगी। इधर दक्ष की पत्नी वारणी शिव और शिवा की कृपा से गर्भवती हो गई। गर्भवती के चिन्ह जब शरीर में प्रकट होने लगते हैं तो चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाती है। जिस दिन से माता शिवा वारणी के गर्भ में आई तभी से चारों तरफ मंगल लक्षण दिखाई देने लगे। दिशाएं पवित्र हो गईं, वायु मंद मंद सुगंधित होकर के बहने लगी। सबके मन में जो भय था वो समाप्त हो गया, सब लोग निर्भय हो गए। सभी देवता गर्भगत शिवा की स्तुति करने आए। वारणी के गर्भ में भगवती विराजमान हैं। सभी देवताओं ने आकर के उनको प्रणाम किया। माँ आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार करके जन्म लेने का जो निर्णय किया है हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। अष्टमी तिथि के दिन देवी का प्रागट्य दक्ष के घर में हुआ। दक्ष ने महा महोत्सव मनाया, मंगल कलश सजाए गए, बंधन बार बांधी गई, देवियों के द्वारा मंगल गान किया गया, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, पखावज मृदंग नगाड़े दुंदुभी शहनाई बजने लगी, चारों तरफ आनंद आने लगा। बोलो जगदम्बा मात की जय। ब्रह्मा जी के सहित अन्य ऋषि पधारे, देवी का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए कि लीला आगे बढ़ रही है, हमारी इच्छा से बढ़ रही है। सभी ने प्रसन्न होकर के उस देवी का नाम उमा रखा। बाल्यावस्था में ही जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं ऐसे ये देवी बढ़ने लगी। चंद्रमा की चांदनी पूर्णिमा होते होते तक एकदम प्रकाशमान हो जाती है ऐसे ही इनका दिव्य चेहरा चमकता था। एक बार जो विद्या पढ़ाई जाती तुरंत याद हो जाती थी, बहुत कम समय में सारी विद्याओं को इन्होंने ग्रहण कर लिया। एक बार ब्रह्मा जी आए, दक्ष और दक्ष की पत्नी की गोदी में विराजमान उमा को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी इच्छा है कि आप तपस्या करें। छोटी सी बालिका ने कहा, मैं किस लिए तपस्या करूं? बोले, भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आप तपस्या करें। हे बालके, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में ना तो ग्रहण कर सके हैं, ना करते हैं और ना भविष्य में ही ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति होंगे। वे तुम्हारे ही योग्य हैं, किसी दूसरे में इतनी योग्यता ही नहीं जो उनका वरण कर सके। आप उनको प्रसन्न करने के लिए तपस्या करें। सती जी को चित्रकारी करना बहुत अच्छा लगता था। बालू में भी यदि बैठी हैं नदी किनारे समुद्र के किनारे तो उंगली से ही भगवान शंकर का चित्र बड़े सहज में ही बना दिया करती थी। सहेलियां देखती हैं किसका चित्र बनाती है, जटाजूट वाले का, गले में सांप जिसके लटका है, त्रिशूल जिसने ले रखा है, समझ नहीं पाती थी ये क्या चल रहा है। अगर कागज कलम हाथ में आ जाए तो शंकर जी का चित्र बना देना, कोई दीवाल देखा वहां चित्र बना देना। भगवान शंकर में सती जी की प्रीति सहज हो गई, बिना किए हुए ही हो गई। बाल्यावस्था से कौमार्यावस्था आई, कौमार्यावस्था से युवावस्था आई। एक दिन दक्ष ने देखा कि मेरी बेटी युवा हो चुकी है, मुझे इसके विवाह की योजना बनानी चाहिए। दक्ष अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणाम करके कहा, आज मुझे अपनी कन्या को देख करके एक चिंता होने लगी है।
चिंता नहीं कहेंगे तो एक संकल्प मन में होने लगा है कि मैं अपनी कन्या का विवाह करूं, कन्या दान करूं। हे ब्रह्मा जी, आप मुझे योग्य वर बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष, आज तक हमने आपसे छुपा करके रखा, आपकी जो बेटी हैं वो शिवा हैं और ये शिव की अर्धांगिनी हैं, इनका विवाह भगवान शंकर के साथ में होगा। महाराज, शंकर भगवान मेरे यहां बारात लेकर के आएंगे? मुझे तो ये सपना जैसा लगता है, ये कैसे संभव होगा? मेरी इच्छा है कि आप मेरी बेटी के बाबा हैं और बाबा को आगे बढ़कर के काम करना चाहिए, अपने पोता पोती, अपने नाती, अपनी अगली पीढ़ी के विवाह शादी की चिंता करनी चाहिए। मेरा मन है कि मेरी तरफ से आप जाएं और भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि वो बारात लेकर के आए। हाँ हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। इधर सती जी ब्रह्मा जी की आज्ञा को याद करके तपस्या करने के लिए विराजमान हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पधारे। ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी सरस्वती को साथ में लिया और श्रीमन नारायण ने अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को साथ में लिया और ये दोनों के दोनों सपत्नीक भगवान शंकर के निकट पहुंचे और भगवान शंकर को प्रणाम किया, बड़ी सुंदर प्रार्थना करी। प्रार्थना करी, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, आपके आने का कारण क्या है? ये आप दोनों देवियों के सहित क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज कई कारण हैं। क्या कारण है? बोले, बहुत सारे राक्षस तपस्या करते हैं, मुझ ब्रह्मा से तरह तरह के वरदान मांग लेते हैं, उनमें से कई राक्षस तो विष्णु के द्वारा मारे जाने लायक हैं, मारे जाते हैं, लेकिन कई राक्षस ऐसे हैं जिनका वध आपके द्वारा और आपके वीर से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही संभव होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप विवाह कर लें, क्योंकि आप विवाह करेंगे प्रकृति और पुरुष का मिलन होगा और सृष्टि का विस्तार होगा। मैं जो सृष्टि रच रहा हूं, जिस सृष्टि का पालन विष्णु कर रहे हैं, उस सृष्टि को एक रक्षक की भी आवश्यकता है और आप अपनी पत्नी के सहित ये कार्य करें, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। और महाराज, जब आपने हम दोनों को प्रकट किया था, तब आपने अपने हृदय से एक देवी प्रकट करी थी। उन देवी ने तीन रूप भी धारण करे थे। लक्ष्मी जी का विवाह हमारे साथ हो गया, सरस्वती जी का विवाह ब्रह्मा जी के साथ हो गया। हे प्रभु, जो शिवा का तीसरा रूप है, जिनको पार्वती, सती, चंडिका, काली अनेक नामों से भक्त लोग संबोधन करते हैं, वो इस समय महाराज दक्ष की पुत्री के रूप में, उमा के रूप में विराजमान हैं। दक्ष तपस्या कर रहे हैं आपको प्रसन्न करने के लिए, और तो और भगवती जगदम्बिका उमा तप कर रही हैं आपको पति के रूप में पाने के लिए। प्रभु, हम निवेदन करने आए हैं कि आप विवाह करने की अनुमति प्रदान करें। शंकर जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कुछ ऐसी बात कही जिससे ब्रह्मा और विष्णु का हृदय विदीर्ण हो गया। कहते ना, दिल तोड़ दिया, ऐसी हरकत कर दी भगवान भोलेनाथ ने। भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, कान खोल करके सुनो। यो निवर्ति सुमार्गस्थ स्वात्मा रामो निरंजन अवधूत तनुर्ज्ञानी स्वदृष्टा काम वर्जित। जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है, अपनी आत्मा में ही रमण करता है, इसी अवस्था को आनंद मानता है, जो निरंजन है, माया से निर्लिप्त है, जिसका शरीर अवधूत है, दिगंबर है, जो ज्ञानी है,
आत्मदर्शी है और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता है तथा जो सदा पवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामनी से क्या प्रयोजन है? यह समय मुझे बताओ तो सही, मुझे विवाह करना क्यों आवश्यक है? ना मेरे मन में काम, मैं योगी रमता योगी अकेले विचरण करने वाला सदा आनंद में रहने वाला, मुझे क्यों आप विवाह के बंधन में पाड़ना चाहते हो? ये तो बतलाओ, मुझे विवाह की आवश्यकता नहीं है। सुनिए महाराज, ये किसी मनुष्य के लिए तो दुर्गुण हो सकते हैं, लेकिन आप ब्रह्म हैं, ये सारे आपके गुण हैं, ये आपके आभूषण हैं। अविकारी ह भोगी च सदा सुचिर मंगल तस्य प्रयोजनम लोके कामिन्याम किम बदाधुना। भले ही आप योगी हो, चाहे आप अविकारी हो, चाहे आप निरंजन हो, चाहे आप अविनाशी हो, लेकिन आप विवाह करिए और अपनी अर्धांगिनी के साथ अपना संतुलन बना के रखिए। आपका मन यज्ञ में करता है, अर्धांगिनी को साथ लेके यज्ञ करें। तपस्या में लगता है, तपस्या करें। कथा में लगता है, कथा करें। कीर्तन में लगता है, कीर्तन करें। जिंदगी के जितने भी कार्य हैं वो पत्नी को साथ में लेकर के किए जा सकते हैं। और हे प्रभु, आज हम आपसे मांगने के लिए आए हैं, आपको हमारी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, आपको कामना पूरी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के ये संसार का सृजन हो पाएगा। ब्रह्मा विष्णु ने दोनों ने प्रार्थना करी, उनके वचन याद दिलाए, बोले आपने ही कहा था कि ब्रह्मा से जो रुद्र अवतरित होंगे उनका विवाह कालिका के साथ होगा, दुर्गा के साथ होगा। महाराज आज वो समय आ गया है, आप हमारी इच्छा पूरी करें। ब्रह्मा विष्णु ने बार बार प्रार्थना करी, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहा मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे लिए जो आप लड़की देखेंगे, जो मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य होगी, उसमें कुछ योग्यता मुझे चाहिए। क्या क्या योग्यता चाहिए महाराज? जैसे मैं योगी हूं वैसे वो योगिनी होनी चाहिए, जैसे मैं निष्काम हूं वैसे वह भी निष्काम होनी चाहिए, जैसे मैं तप में लगा रहता हूं वैसे ही वह तपस्वी होनी चाहिए, जिसका मन हमेशा मुझ में ही लगा रहे, मेरे साथ लगा रहे, जो मेरे विपरीत आचरण नहीं करे, जिसके गणवर्ग मुझसे लगते हों, ग्रह गोचर मुझसे मिलते हों। यदि मेरे विपरीत आचरण किया तो मैं त्याग कर दूंगा। श्री ब्रह्मा ने कहा कि दक्ष के द्वारा तप किया गया, तब जाकर के अंबिका ने अवतार लिया, वही अंबिका आपको पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। निश्चय ही आपने जितने भी हमें निर्देश दिए हैं, ये सारे निर्देश भगवती अंबिका में समाहित हैं, आप स्वीकार हमें हां कर दें, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें। ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, आप लोग योजना बनाइए, उत्सव का एक प्रयोजन बनाइए। सती जी जहां तपस्या कर रही थी, भगवान शंकर वहां पहुंच गए, जो डमरू बजाया, सती जी की आंख खुली, प्रत्यक्ष दर्शन करके भगवान शंकर के प्रसन्न हो गई, साष्टांग दंडवत प्रणाम करी, बोलो शंकर भगवान की जय। हे प्रभु, प्रत्यक्ष दर्शन करके बड़ा आनंद आ रहा है, आज वरदान मांगना है आपसे, वरदान मांगो। हे प्रभु, आप हमें पति के रूप में प्राप्त हो, आप हमें अपनी अर्धांगिनी बना लें, यही वरदान चाहिए। भगवान शंकर ने कहा मैं वरदान तो दे दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, जप तप व्रत संयम नियम बहुत सारे जो निर्देश दिए। मुस्कुराई, बोले ये तो मेरे आचरण में सहज ही हैं, किसी को तो ये करने पड़ते हैं, हम तो वैसे ही करते रहते हैं। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन प्रदान किया,
भगवान शंकर शिवलोक में पहुंचे, श्रीमान रुद्र ने ब्रह्मा जी को बुला करके कहा कि आप दक्ष से जाकर के हाँ कह दें, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। महाराज दक्ष के पास ब्रह्मा जी आए और कहा, बोले तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, तुम्हें जो चिंता हो रही थी वो काम हो गया है, भगवान शंकर ने हाँ कर दी है। इधर भगवान शंकर सती जी से भी हाँ कर गए हैं, लेकिन सती जी शर्मा रही हैं, माता पिता को कैसे बतलाया जाए कि मुझे भगवान शंकर स्वयं हाँ करके गए हैं। अपनी सहेली के द्वारा माता और पिता से कहलवाया, जब शिवा की सहेली के द्वारा माता पिता को बतलाया गया कि भगवान शंकर स्वयं दर्शन देने के लिए पधारे थे, साक्षात्कार हुआ था, सती और शिव का वार्तालाप हुआ था, यह जान करके दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे पिताश्री, आप हमारे भाई नारद जी को बुलवा लें और शीघ्रता से लगन पत्र का लेकर के जाएं, शंकर भगवान से प्रार्थना करें कि वो बारात लेकर के आए और मेरी बेटी को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लें। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास आए और कहा, हे देव, चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण है, महाराज दक्ष स्वयं आपको प्रणाम कहलवाए हैं और मेरे द्वारा, मैं बाबा लगता हूं इसलिए मेरे द्वारा उन्होंने एक संदेश भेजा है कि आप बारात लेकर के पधारे हैं, मेरी पुत्री को स्वीकार करें। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, हे ब्रह्मा, आप तुरंत भगवान विष्णु को बुला लें, नारद जी को बुला लें, मरीचि आदि जो आपके मानस पुत्र हैं उनको बुला लें, मेरे शिवगण साथ में रहेंगे और हम सभी लोग चलेंगे दक्ष के द्वार पर और वहां पाणिग्रहण संस्कार करके देवी को यहाँ लेकर के आएंगे। सारे देवता सज धज करके आ गए, भगवान शंकर को सजाने का प्रयास करने लगे, भोलेनाथ ने मना कर दिया, बोले हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जिसको सजाया जाता है सजावट हट जाने पर वो खराब लगता है, लेकिन जो नहीं सजा है वो हमेशा एक जैसा ही एवरग्रीन दिखाई देता है। भगवान शंकर बरात लेकर के दक्ष के दरवाजे पर पहुंच गए, दक्ष को मालूम पड़ा बारात आ गई, द्वार पर आए स्वागत करने के लिए, सबसे पहले सोने के पात्र से अर्घ दिया, फिर भवन में लेकर के आए, आसन बिछाया, पूजन किया, आरती करी और प्रार्थना करके धन्यवाद प्रणाम स्वीकार किया, यज्ञ मंडप बनाया गया। दक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, हे पिताश्री, ये विवाह की क्रिया आप ही कराइए, यानी शादी आपको ही करानी है, विवाह आपको ही पढ़ाना है। ब्रह्मा जी यजमान बनकर, ब्रह्मा जी पंडित बनकर के, ब्रह्म है ना, ब्राह्मण है, सती और शिव का विवाह कराने लगे, पाणिग्रहण संस्कार कराया गया। दक्ष ने सती का हाथ लेकर के भगवान शंकर के श्री हस्त में दे दिया, फेरा हुए, कन्यादान, शाकोच्चार, देवता लोग दुंदुभि बजा रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, शहनाई बज रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, उत्सव हो रहा है, पुष्पों की वर्षा हो रही, बड़े ही धूमधाम के साथ सती का विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न हुआ। बोलो गौरी शंकर भगवान ये। बहुत सारा दहेज दिया, प्रणाम करके विदा किया, विदा के समय सती की जो माँ है वारणी, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा श्री सती जी के लिए दी कि ससुराल जा रही हो, वहां जाकर के सभी का सम्मान करना, सबके लिए सदमती देना, सबके लिए बराबर सहज भाव से सेवा करना, जो एक शिक्षा माता को अपनी बेटी को देनी चाहिए वो सारी शिक्षा माता अशकनी ने, या उनका दूसरा नाम है वारणी ने, अपनी बेटी सती को दी। दक्ष ने प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ को विदा किया,
जितना दहेज दिया गया था भोलेनाथ रास्ते में ही सबको बांट आए और पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। जब शंकर भगवान जा रहे थे, ब्रह्मा जी ने रास्ता रोक लिया और ब्रह्मा जी ने शिव और सती दोनों गठजोड़ा से जुड़े हुए हैं, वर वधु के रूप में हैं, तब हाथ जोड़ करके कहा, हे भोलेनाथ, हमने आपका विवाह कराया है, आप हमारे यजमान हैं, हम आपके पंडित हैं, और पंडित को विवाह पढ़ाने की दिव्य दक्षिणा दी जाती है, आज मैं भी आपसे कुछ पाना चाहता हूं। शंकर जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, बताइए ब्रह्मा जी, आपको क्या चाहिए, क्या प्रदान करूं? बोले, मुझे एक वरदान चाहिए, जैसे आज आप दोनों वर वधु के रूप में शोभायमान हो रहे हैं, जहां आपका फेरा पढ़ाया गया है, जहां आपका विवाह महोत्सव हुआ है, यह स्थान मुझे आश्रम के रूप में चाहिए, ये मेरा आश्रम रहेगा, और जब भी मैं आपको प्रणाम करूं और आपके दर्शन की अभिलाषा करूं, आज जो आपका रूप है, व्यक्ति सुंदर तो होता ही है लेकिन उसको सजाया जाता है विवाह वाले दिन, और विवाह वाले दिन प्रयास किया जाता है कि ये सबसे सुंदर लगे, इसके बराबर कोई हो ही ना। हे प्रभु, आप सर्वांग सुंदर हैं, आप सुंदरता को प्रकट करने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं, मैं वरदान चाहता हूं कि जब भी मेरी इच्छा हो आप वर वधु के रूप में मुझे दर्शन दें। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में करके ब्रह्मा को वरदान दिया। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। पहुंच गए हैं कैलाश पर और वहां जाकर सारे देवताओं को विदाई दी, हे देवताओं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके आने से मेरा उत्सव महामहोत्सव हो गया, सभी को विदा कर दिया। विहार करने लगे सती के साथ, पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी की हर इच्छा को पूरी करे। परिचय दिया जाता है तो कहा जाता है ये हमारे पति देव हैं, हमें पतन से बचाते हैं, और जैसे देवता कामना पूरी करते हैं ऐसे हमारी सारी कामना हमारे पति देव पूरी करते हैं, इसलिए उनको पति देव कहा जाता है। अनंत काल तक विहार होता रहा, संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जो सुख सती को भगवान शंकर ने नहीं प्रदान किया हो। एक दिन सती जी ने कहा, प्रभु विहार खूब कर लिया, मनोरंजन खूब हो गया, आज मुझे आपसे कुछ ज्ञान चाहिए। कैसा ज्ञान? मैं जानना चाहती हूं कि कौन से कर्म करने से आप प्रसन्न हो जाते हैं। यदि किसी को आपकी कृपा चाहिए, यदि किसी को आपका प्रेम चाहिए, यदि किसी को आपका आशीर्वाद चाहिए, तो वो कैसे प्राप्त होगा? कौन सा कर्म करने से आप प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा करके बतलाइए। भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा, सच में तुम्हारे हृदय में प्रेम है, तुम मुझे प्रसन्न देखना चाहती हो, इसलिए ऐसा प्रश्न कर रही हो। भक्तौ ज्ञानेन भेदो ही तत्कर्तु सर्वदा सुखम्, विज्ञानम् न भवत्येव सति भक्ति विरोधिना। हे शिवा, मैं भक्ति करने वाले से प्रसन्न हो जाता हूं, जो मेरी भक्ति करते हैं वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, मेरी कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। तीन शब्द हैं, ध्यान देंगे, भक्त, भक्ति और भगवान। भक्त कौन है? जो भगवान को पाना चाहता है। भगवान की कृपा से जीवन में सारे सुख चाहता है। हमारे जीवन में जितनी खुशियां हो वो भगवान के द्वारा हो, भगवान के साथ हो, भगवान की कृपा से हो, हमारे हर उस समय हमारे बाल कृष्ण प्रभु हमारे साथ विराजे। भगवान कौन है? बोले भक्त का टारगेट, भक्त का लक्ष्य।
हमें उनको ही पाना है, हमें उनको ही प्रसन्न रखना है, उनकी ही कृपा हमें चाहिए, उन्हीं का सानिध्य चाहिए। भक्त और भगवान को जोड़ा कैसे जाए, भक्त को भगवान कैसे मिले, बोले भक्ति करने से मिलते हैं। भक्त के द्वारा भगवान को पाने का जो प्रयास किया जाता है उसे भक्ति कहा गया है। भगवान शंकर ने सती से कहा कि मुझे जो पाने का प्रयास करता है उसे भक्ति कहते हैं, मुझे भक्ति करने वाला बड़ा प्यारा लगता है। भक्ताधीन सदा हम भई तत्प्रभावाद ग्रहेष्वपि नीचानाम जातहीनानाम याम देवी न संशय। हे देवी, इसमें जरा भी संशय नहीं है कि मेरी भक्ति करने वाला किसी भी जाति का हो। नाम जपत सब चौ भलो, भगवान का भजन करने वाला भंगी भी बढ़िया है, भगवान का भजन करने वाला चमार भी अच्छा है। चतुराई चूले पड़ो और धूरे मिलो अचार, तुलसी भगवन नाम बिन चारो वरण चमार। और कर्म सब कर्म है भक्ति कर्म निष्कर्म, कहत कबीर पुकार के भक्ति करो तज धर्म। महाराज, भक्ति कितने प्रकार की होती है, बोले भक्ति दो प्रकार की होती है, निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति। सहज बिना कामना के, बिना स्वार्थ के, बिना कोई अदला बदली के, मुझे जो चाहता है वो निष्काम भक्त होता है, वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और दूसरी है सकाम भक्ति, जो किसी भी कामना से की जाती है। कामना भी अच्छी है, हे प्रभु अपने चरणों में मन लगा लो, ये सकाम है। हम आपके धाम में आते जाते रहें, आपके भजन में हमारा मन लगे, आपकी कथा में हमारी रुचि हो, ये सकाम है। ऐसी कामना भी अच्छी है। महाराज, सहज सरल जिस पर कुछ नहीं आता हो वो आपको कैसे प्राप्त कर सकता है। मैं तो मूढ़ हूं, जड़ हूं, कमाल है जो जगदम्बा है वो अपने आप को मूढ़ कह रही है। ये लीला है हम जैसों के लिए कि हमको रास्ता बताने के लिए ये शिव और सती का संवाद है। भगवान शंकर ने कहा कि नौ प्रकार की भक्ति है, नौ में से एक भी कोई चुन ले तो वो मुझे प्राप्त कर सकता है। कैसे महाराज? श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्य आत्मार्पणम चेति नवंगानि विदुर्बुधा मंगला मंगलम यद यद करोतीत ईश्वरो हि मे सर्वतन मंगलायेति विश्वासो सख्य लक्षणम। हे उमा, मेरी नौ प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण, मेरी कथा सुननी चाहिए। हर की कथा होते हैं जहां तीरथ सब चल आवें तहां। दादी परिवार त्रिपुर के संयोजन से YouTube के द्वारा श्रावण मास में सभी को प्रसन्न करने के लिए, कोरोना से मुक्ति के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से शिव पुराण की कथा कराई जा रही है। YouTube के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं, अपने इष्ट मित्र प्रेमी परकर को आप ये लिंक प्रसारित करें, फॉरवर्ड करें, फोन करके सूचना करें। आप जितने ग्रुपों में जुड़े हुए हैं उनको कहें कि भैया श्रावण मास के पावन पर्व पर केवल 3 घंटे हम लोगों को शिव पुराण की कथा सुननी है, गौरी शंकर का पावन चरित्र सुनना है। ऐसा लाभ हर समय नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। आप लोग एक दूसरे को सूचित करें, ऐसा दादी परिवार की तरफ से मेरे को निर्देश दिया गया है कि गुरुजी कथा में 3 बार तो कम से कम बोलना ही है।
पता नहीं क्या आनंद है, कथा सुनेंगे दूसरे और प्रसन्न हो रहे हैं दादी परिवार के सदस्य। ये सतोगुणी बुद्धि है कि जितना सब लोग कथा सुनेंगे उतना मन प्रसन्न होगा, अवसाद से डिप्रेशन से मन दूर होगा, जीवन जीने का एक हमें तरीका मिलेगा, मन में एक उमंग आएगी, उत्साह आएगा, भगवान के चरित्र सुनने से मन प्रसन्न रहेगा। और जब मन प्रसन्न होता है ना तो ह्यूमिनिटी अपने आप बढ़ी रहती है, विल पावर अपने आप बढ़ी रहती है और हर बीमारी से लड़ने में हम सामर्थ्यवान हो जाते हैं और निश्चय ही हमारी विजय होती है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान अपनी पत्नी सती को बतला रहे हैं पहला लक्षण है भक्ति का श्रवण, भगवान की कथा सुननी चाहिए। दूसरा लक्षण है कीर्तन, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। कभी ठाकुर जी की कोई लीला गाएं, कोई गुणगान गाएं, कोई भगवान के नाम गाएं, भगवान के नाम गा करके लेना कीर्तन कहलाता है। आइए एक भजन हमारे संगीतज्ञ कृष्णा जी और मुकेश जी के द्वारा आप लोग सुने हमारे साथ, हम भी गाएंगे और आप लोग भी उस भजन का आनंद लें। कृष्णा जी एक भजन कीर्तन भक्ति में। वो डमरू वाले डमरू बजा, डमरू बजा, डमरू बजा, तुम्हें भक्त बुलाते हैं आ, मैं नाचूं तू न जा। वो डमरू वाले डमरू बजा, डमरू बजा, डमरू बजा, में गंगा माथे पे चंगा, गल में है सरकों की माला, तन में पागंबर ये जय शिव शंकर, भूला है जग से निराला। हो जटा में गंगा माथे पे चंगा, गल में है सरकों की माला, तन में पागंबर ये जय शिव शंकर, भूला है जग से निराला। धारी जय हो त्रिपुरारी, त्रिशूल धारी हो जय हो त्रिपुरारी, त्रिशूल कर में संभाले, डमरू धारे डमरू बजा, डमरू बजा, डमरू बजा, तुम्हें भक्त बुलाते हैं आ, मैं नाचूं तू नचा। डमरू बजा, डमरू बजा, डमरू बजा, जोगी है नंगा मस्त मलंगा, खाते हैं भंग का गोला, भक्त बुला ले कष्ट मिटा ले, जिसने है बम बम भोला। जोगी है नंगा खाते हैं भंग का गोला, भगत बुला के कष्ट मिटा दे, जिसने है बम बम भोला। वो मंगल है करते अमंगल को हरते, वो मंगल है करते अमंगल को हरते, और भोले को मन से मना ले, डमरू बजा, डमरू बजा, डमरू बजा, तुम्हें भक्त बुलाते हैं आ, मैं नाचूं तू नचा। डमरू वाले डमरू बजा, माते हस्ती लगा दे, कैलाश ऊपर विराजे, नंदीश्वर की करते सवारी, संग में माँ गोरा विराजे। माते हस्ती लगाते कैलाश ऊपर विराजे, नंदीश्वर की करते सवारी, संग में माँ गोरा विराजे। भक्तों
के हैं रखवाले डमरू बजा डमरू बजा तुम्हें भक्त बुलाते हैं मैं ना तू तू न जा ओ डमरू वाले डमरू बजा डमरू बजा बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। पहली भक्ति है श्रवण, दूसरी भक्ति है कीर्तन और तीसरी भक्ति है स्मरण। भगवान को याद करते रहना चाहिए, बात बात पर भगवान की याद आनी चाहिए। अपने अपने घरों में हर जगह भगवान का चित्र लगाएं, जब भी दर्शन करें अरे ये तो वहां के ठाकुर जी हैं, ये तो बद्रीनाथ भगवान हैं, ये तो द्वारकाधीश हैं, ये श्रीनाथ जी हैं, भगवान की याद आनी चाहिए। एक जने से पूछा मुनि किसे कहते हैं, एक संत से पूछा, संत ने उल्टा प्रश्न कर दिया, बोले मुनीम किसे कहते हैं, जो पैसे का हिसाब रखे वो मुनीम, कितना आया कितना गया। बोले जो भगवान का हिसाब रखे उसे मुनि कहते हैं, जो मनन करता रहे स्मरण करता रहे हर पल उन्हीं में खोआ रहे। चौथी भक्ति है सेवन, सारी इंद्रियों को उनके सेवा में लगा देना, सेवन कहलाता है। पांचवी भक्ति है दास्य, वो मेरे स्वामी हैं मैं उनका सेवक हूं, श्री हनुमान जी महाराज का दास्य भाव है। हम लोगों को धार्मिक कार्य करने में शर्म आती है। श्री भरत जी महाराज राम जी की पादुका सिर पर रखकर भरी भीड़ में जा रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है। हम घर में चुपचाप अपने गोपाल जी के आगे आरती कर लेंगे, घंटारी बजा लेंगे और सड़क पर शोभा यात्रा निकल रही है और कोई हमको घंटारी पकड़ा दे के बजाओ, हे हम तुम्हें घंटारी बजाने वाले दिखते हैं। ये केवल हिंदुओं में परेशानी, हमें धार्मिक कार्य करने में शर्म आती है ना। सख्य भाव सेवन के बाद दास्य भक्ति है, हमें हमारे ठाकुर जी की कोई सेवा करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, हर सेवा के लिए तत्पर रहें। वल्लभ संप्रदाय में झाड़ी भरी जाती है, लेकिन झाड़ी भरने के लिए जो मथानी भरी जाती है जल कुआ से लाना पड़ता था किसी जमाने में, आजकल तो सुविधाएं हो गई हैं, हर सेवा करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। छठी भक्ति है अर्चन, अर्चना धूप दीप नैवेद्य पाद्योपाद्यम वस्तुवर्गम मुखे आचमनीयम जलम तांबूल भूफूल लवंगेला कर्पूर सहतम सदक्षिणाकम नमस्कारम, सब विधि से उन्हीं की अर्चना करना, चाहे पंचामृत स्नान हो, चाहे गिरिराज जी पे दूध चढ़ाया जाए, चाहे सूर्य को अर्घ दिया जाए, अपने अपने इष्ट की अलग अलग पूजा विधि है, अर्चना करनी चाहिए, अर्चना से भगवान प्रसन्न होते हैं। सातवीं विधि है वंदना, वंदन करना, जो करे भगवान की वंदना उसके लिए भगवान का द्वार कभी भी बंद ना, हमेशा खुला रहता है, एटीएम ऑल टाइम प्रेजेंट, बार बार भगवान को प्रणाम करते रहना चाहिए, जब भी किसी मंदिर के आगे से निकले सिर झुका करके निकलना चाहिए। दर्शन खुले हैं और हमें मंदिर में के आगे से निकलना है तो सिर झुका करके निकलना चाहिए, ये बंधन है। आठवीं भक्ति है सख्य, भगवान को अपना सखा मानना, सुख दुख सब तुम मेरे साथ बांटेंगे, तुम्ही से दिल की कहेंगे, तुम्ही से दर्द की कहेंगे, जो भी कहेंगे तुमसे ही कहेंगे, और किसी से फायदा भी नहीं है कहने में। नौवीं भक्ति है आत्मसमर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। कोई भक्ति पहली नहीं, कोई चौथी नहीं, कोई आठवीं नहीं, नौ है, कोई भी पहली मान लो, कोई भी दूसरी मान लो,
अरण्य कांड में, रामचरितमानस में भगवान राम शबरी को बतला रहे हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणन गन कर ही कपट तज गान, मंत्र जाप मम तृण विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखें पर दोषा, नवम सरल सब छल हीना, मम भरोसे हृदय नहीं दीना। और नौ भक्ति सुनाने के बाद भगवान ने बहुत बड़ा डिस्काउंट दे डाला। नव में जिनके एकौ होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौ भक्ति करना जरूरी नहीं है, एकौ केवल एक भी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कोई। अरे कौन कोई, अब कौन बच गया स्त्री पुरुष के अलावा? बोले गजेंद्र हाथी भी तो है भाई, बंदर भी तो है, भालू भी तो है, वो छोटी सी गिलहरी भी तो है जो भर भर के बालू ले जा रही है, सेतुबंध कुंड पुल बनाया जा रहा है उसमें डालने के लिए, राम सेतु में लगाने के लिए। अरे ब्रज की गैया भी तो हैं, ब्रज के बंदर भी तो हैं, वो मोर तोता भी तो हैं जो हर समय उनको निहारते रहते हैं। इसलिए कहा सचराचर कोई, कोई क्यों ना हो, एनीबॉडी, जो भी मेरी भक्ति करेगा। और कमाल कर दिया, भक्त के लिए कह दिया, भगवान शंकर कह रहे हैं हे सती, मेरे भक्त का शत्रु मेरा शत्रु है, मेरे भक्त का मित्र मेरा भक्त है। त्रैलोक के भक्त सदृश पंथा नास्ति सुकाव, चतुर्युगेश देवेशी कलौतु सुविशेषत। मेरे भक्त से जो प्रेम करता है वो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे भक्त के साथ सत्संग में आता है, मेरे भक्त के साथ कथा में कीर्तन में स्मरण में आता है, मैं उससे प्रेम करने लग जाता हूं। यो भक्ति मान पुमान लोके, सदा हम तस्सहाय कृत, विघ्न हर्ता रिपुस्तस्य दंड्यो नात्र न संशय। जो मेरे भक्त को कष्ट देता है मैं उसे कष्ट देता हूं, जो मेरे भक्त को प्रसन्न रखता है मैं उसे प्रसन्न करता हूं, जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सो जरही, जो अपराध। हमारे वल्लभ संप्रदाय में ब्रह्म संबंध का मंत्र दिया जाता है, कहते हैं अपनी पत्नी, अपना बच्चा, अपना धन ऐश्वर्य जो कुछ भी है, हे प्रभु हम आपको समर्पण करते हैं, दासो हम कृष्ण दवासमी। जो वचन भगवान शिव के द्वारा बोले जा रहे हैं शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत में वही वचन द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कहे अमरीश चरित में, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त इमं परम, हित्वा माम शरणम याता कतम तान त्यक्त मुस्सहे। हे दुर्वासा जी, जो भी अपनी पत्नी, अपना भंडार, अपना पुत्र, अपना वित्त और सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है, उसकी रखवाली करना मेरा नैतिक कर्तव्य हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सती जी, भगवान शंकर का प्रेम पाने के लिए भक्ति करने लगी, बड़ा आनंद आने लगा। एक बार भगवान भोले ने कहा आओ सती कहीं घूमने चलते हैं। कहां चलेंगे? बोले कथा सुनने चलते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पा
अखिलेश्वर जानी भूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर सती जी को लेकर के कुंभज अगस्त जी के यहां कथा सुनने गए। कथा पहले से ही हो रही थी, शिव जी पहुंचे, कथा में ब्रेक लिया, शिव सती की पूजा करी, स्थान दिया, कथा फिर शुरू हो गई। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ, और श्रोताओं को देख करके और ज्यादा उत्साह बढ़ जाता है। कथा कहने लगे अगस्त जी, शंकर जी बड़े सुख के साथ सुन रहे हैं। जो मन से सुनते हैं उनको लगता है कि कथा चलती ही रहे, समय पूरा नहीं हो, दो नहीं बजे जल्दी, और जो जबरदस्ती बिठा दिए जाते हैं वो बार बार घड़ी देखते रहते हैं कब पिंड छूटेगा, अभी तो आधा घंटा और है, परेशान होते हैं। सती जी सो गई कथा में, कथा का विराम हुआ, जगाया सती जी को, लेके चले। जब लौट रहे थे तो दंडकारण्य वन में ऊपर होकर के आ रहे थे, नीचे दंडकारण्य है, अरण्य माने वन। नादिया पर सती और शिव विराजमान हैं, भगवान शंकर की निगाह अचानक धरती पर पड़ी तो क्या देखा, श्रीमन नारायण मनुज लीला कर रहे हैं, भगवान राम के रूप में अवतरित हुए हैं। 16 संस्कार, उसी क्रम में विवाह संस्कार, और विवाह के बाद माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए वन भवन, और वन गमन में सीता हरण, और सीता हरण के बाद सीता के विरह में चारों तरफ सीता को खोज रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, राम जी रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, सीता को खोज रहे हैं। शंकर जी ने देखा, ऊपर से ही प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद घन पावन अस कह चले मनोजन सावन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जो जयकारा लगाया सती जी ने, शंकर जी की तरफ देखा, सती जी को संशय हो गया। संशय सबको होना चाहिए, जो उस जगह होता उसको होता। सती जिसने अपने पति के अलावा कभी किसी को कुछ माना ही नहीं, और सती कहते भी उसी को हैं जो अपने पति को ही देवता माने, पति को ही परम पुरुष, पति को ही महापुरुष, पति को ही अपना हीरो माने, उसे सती कहते हैं। मेरे प्रभु, जिनको दुनिया प्रणाम करती है। सती जो दशा शंभु के देखी और उपजा संदेह विषेखी। सती जो दशा, कमाल है जिनको दुनिया प्रणाम करती है। आज तक मैंने हमेशा लोगों को इनको प्रणाम करते देखा है, मैंने शिवजी को किसी को प्रणाम करते नहीं देखा। शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जगत जो भगवान होकर के भक्त जैसा काम कर रहे हैं, शंकर जी तो राम जी को देख करके भगत हो गए ना, एकदम से ग्लैड हो गए, अंतर से प्रसन्न हो गए।
कमाल है जो स्वामी होकर के सेवक बन रहे हैं, जो जगदीश होकर के किसी को अपना ईश मान रहे हैं। कौन है ये लोग जिनको मेरे पति देव प्रणाम कर रहे हैं? जरूर तो कोई ना कोई बात है। नायक महानायक, और इनको बनाने वाला कौन हो सकता है? सारी कलाएं जिनमें स्वतः ही विराजमान हैं वो प्रभु अभिनय कर रहे हो। राम जब रो रहे हो तो कौन ऐसा है जो बिना रोए रह जाएगा? सती जी ने शंकर जी से पूछ लिया, महाराज ये सब क्या है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, कौन है ये लोग? मेरे इष्ट देव हैं, भगवान राम नरलीला कर रहे हैं, इनकी पत्नी का हरण हो गया है, पत्नी के विषयों में संतृप्त हैं, इनकी लीला में संशय नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने इनको दूर से प्रणाम किया है। मुझे कुछ जम नहीं रहा है। शंकर जी ने कहा नहीं जम रहा है तो खुद चली जाओ इनके पास। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले। अति संदेह हो, थोड़ा संदेह होता तो तुम मेरी बात मान जाती, ज्यादा संदेह है इसलिए जाओ इनके निकट चली जाओ, जाकर के परीक्षा ले लो। जैसे जाए मोह भ्रम भारी करे उसो जतन विवेक बिचारी। पहले तो कह दिया परीक्षा ले लो, लेकिन परीक्षा लेने वाले परीक्षक में कुछ बातें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बोले पहले उसमें विवेक होना चाहिए। लोअर केजी के बच्चे से हम हाई स्कूल का प्रश्न पूछ लें, या आईएएस की परीक्षा देने वाले से हम चौथी क्लास की कविता पूछ लें, ना। परीक्षा लेने वाला परीक्षक भी विवेकी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, जानकार होना चाहिए कि किससे क्या पूछना है। सती परीक्षा लेने जाओ तो ध्यान रखना, वही जतन करना, थोड़ा विचार के, थोड़ा विवेक के साथ करना जो कुछ भी करो। सीता जी का वेश धारण करके पहुंच गई। लक्ष्मण देख उमाकत वेशा, लक्ष्मण जी घबरा गए। हमको भगवान ने जितने डायलॉग याद कराए थे, जितने सीन बतलाए थे, उसमें ये सीन नहीं था। ये अचानक कहां से आ गया? लक्ष्मण जी जट पीछे हो गए, आगे श्री राम को कर दिया। जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। शंकर जी, श्री राम ने कहा मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। कहूं उमा कहां ब्रश के तो, विपिन अकेले फिरई के हेतु। मां आप अकेली कहां हैं? भगवान शंकर कहां हैं? आप अकेली यहां विचरण क्यों कर रही हैं? सोचा भागे, जैसे ही चलने लगी तो देखा आगे बहुत सारी राम जी, बहुत सारी सीता जी, भ्रमित हो गई, रुक गई और कहा हे राम मेरे पति देव बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, मेरे साथ हैं, हम लोग कथा सुन करके आ रहे हैं, हम दोनों ने तुमको देखा, उन्होंने तुमको प्रणाम किया दूर से, कहा मेरे इष्ट देव हैं। राम ने कहा नहीं नहीं वो मेरे इष्ट देव हैं, वाह वो तुम्हें अपना गुरु बताते हैं, तुम उन्हें अपना गुरु बताते हो, वो तुम्हें अपना इष्ट देव बताते हैं, तुम उनको अपना इष्ट देव बताते हो, बहुत बढ़िया प्रेम है। लेकिन ऐसा प्रेम है कैसे, किन कारणों से है? तब कहा
वागार्थाय विव संप्रक्तौ सदा खलु सती शिवौ तयोर वियोगो संभाव्य संवेदिच्छया तयो। हम दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम दोनों समान ही हैं, हमें भेद नहीं करना चाहिए। श्री राम ने प्रणाम किया, सती जी ने आशीर्वाद दिया, लौट करके आई। शंकर जी ने पूछा क्या हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई की, ने प्रणाम तुम्हारी नाई। कैलाश पर आ गए, मन में जान लिया कि इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया है, अब मैं इनको अपनी पत्नी का स्थान नहीं दे पाऊंगा। कैलाश पर बैठ करके भजन करने लगे। एक बार प्रयागराज में ब्रह्म सभा बुलाई गई, सारे देवता ऋषि मुनि राजा धार्मिक लोग आए। उस सभा के सभापति महाराज दक्ष थे, दक्ष देरी से आए, सब लोग खड़े हो गए उनके सम्मान में, दो लोग नहीं खड़े हुए, एक ब्रह्मा जी और एक भगवान शंकर। हजारों लोग खड़े हुए हैं, सम्मान कर रहे हैं, इस बात की प्रसन्नता नहीं है, केवल दो लोग नहीं खड़े हुए, इसी बात पर क्रोधित हो गए दक्ष। ब्रह्मा तो मेरे पिता हैं, लेकिन ये शिव एष मे शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितर ग्रहीत। किसने इसका नाम शिव रख दिया, ये तो अपवित्र है, चिता की भस्म लगाने वाला, शमशान में रहने वाला। पता नहीं क्या मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने अपनी हिरणी जैसी आंख वाली बेटी इस बंदर जैसे आंख वाले को विवाह दी। उषा नाम के देवता हंसने लगे, बड़े महादेव बना फिरते थे, आज इनका भी टीका हो गया। नंदीश्वर ने जैसे ही आंखें दिखाई, शंकर जी ने उनको रोक दिया। गाली देने से काम नहीं चला, श्राप दे डाला, आज के बाद किसी यज्ञ में शंकर को स्थान नहीं दिया जाएगा। सब लोग चले गए, शंकर भगवान उठे, कैलाश पर लौट करके आए, कोई बात सती को नहीं बतलाई। जो बातें मन में उद्विग्नता, संशय, अश्रद्धा, क्लेश, अशांति, डिप्रेशन पैदा करती हों, ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए। जो बातें प्रसन्नता प्रकट करती हों, प्रेम प्रकट करती हों, एक दूसरे में श्रद्धा बढ़ाती हों, वैमनस्यता का नाश करके आपस में वसुदेव कुटुंब की भावना बढ़ाती हों, ऐसी बातों का ही प्रचार प्रसार करना चाहिए। आपस में मिलाती हों, प्रेम बढ़ाती हों, ऐसी बातें ही बतानी चाहिए एक दूसरे। शंकर जी ने कोई बात नहीं बतलाई, भजन करने लगे। दक्ष ने देखा कि मैंने श्राप दिया है शंकर को किसी भी यज्ञ में ना बुलाया जाए, क्यों ना मैं ही पहला ऐसा यज्ञ करूं, देखता हूं क्या बिना शंकर को बुलाए यज्ञ पूरा नहीं होगा क्या। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। कनखल तीर्थ में ये यज्ञ रचा गया, सारे देवी देवताओं को बुलाया गया, सब ऋषि बुलाए हैं, अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीची, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पहल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुश, सित, सुमंत, त्रिक, कंक, वैशंपायन, केवल शंकर भगवान को नहीं बुलाया है, गंधर्वों को, विद्याधरों को, सिद्धों को, चारणों को, आदित्यों को, गणों को, नागों को, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, सारे धार्मिक राजा बुलाए गए हैं। कनकल तीर्थ की महिमा बड़ी जोरदार हो रही है, नगर को सजाया गया है। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना,
देवता अपनी पत्नियों को लेकर विमानों में बैठ करके जा रहे हैं, कोई कोई बदमाश तो आप जान करके शंकर जी के घर के सामने हॉर्न बजाता है दिखाने को कि देखो तुम्हें नहीं बुलाया, हमें बुलाया है। सती जी ने देखा कि सब लोग मेरे पिता के यहाँ जा रहे हैं, शंकर भगवान से प्रार्थना करी। प्रजापतिस्ते सुसरस्य सांप्रतम निर्यापितो योग महेश्वर पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होए तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोए। आपकी आज्ञा हो तो हम चली जाएं? नहीं, जहां से निमंत्रण नहीं आए वहां नहीं जाना चाहिए। प्रभु ऐसा सुना है कि घर वालों के यहां तो चले जाना चाहिए। हाँ हाँ हमने भी सुना है। जदपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा जाइए से बिन बोले न संदेहा। पिता के यहां, मित्र के यहां, गुरु के यहां, राजा के यहां, डॉक्टर के यहां, मतलब वैद्य के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जह कोई तहां गए कल्याण न होए। जहां कोई विरोध मानता हो वहां नहीं जानना चाहिए। ब्रह्म सभासन हम दुख माना तेते अजौ करहिं अपमाना, इसलिए हमको नहीं बुलाया। मेरा मन है जाने का। अच्छा, आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं, स्नेह तुलसी वहां ना जाइए कंचन वर्षे ने। नहीं, पिताजी के यहां जाना है। देखा नहीं मानेंगे तो मैं जाऊंगा। संगी भृंगी नंदी साथ में भेज दिए, पहुंची पियर। अरुद्र भागम तम वीक्ष चाद्वरम पिता च देवे कित हेलनम विभो अनादिता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चकोपलोका निदस्वती ऋष। कहीं भी शंकर भगवान को कोई स्थान नहीं, किसी वेदी पर शिव का स्थान नहीं। यो निंदन्ति महादेवं निंद्यमानं शृणोति वा तावो नरकं यातो यावच्छन्द दिवा करो। जहां पर बड़ा कुंड था वहां जाकर के प्रणाम किया, जन्म जन्म भगवान शंकर मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा कहकर के छलांग लगा दी। सती ने देह भस्म कर डाला। शिवगण जो साथ में आए थे, बहुत से लोगों ने वहीं आत्महत्या कर ली, बहुत से क्रोध करने लगे। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को समाचार मिले, वीरभद्र काली को प्रकट कर दिया, जाओ जाकर के भस्म कर दो, मार दो सबको। आकाशवाणी हुई, दक्ष तुम अपनी रक्षा करो, कुछ गड़बड़ होने वाला है। भगवान शंकर पधारे, दक्ष की गर्दन काट दी। पहले भयंकर युद्ध हुआ है, विष्णु भगवान को भी युद्ध करने के लिए लाया गया है। विष्णु ने दक्ष को समझाया और कहा कि तुम भगवान शंकर से प्रार्थना करो, क्षमा मांगो। शिवरावज्ञया सर्वं कार्यं भवति सर्वथा विफलं केवलं नैव विपतिश्च पदे पदे। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति आती है, जहां अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते तीन तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। जो पूजने योग्य उनकी पूजा नहीं की जाए, और जो कभी भी पूजन करने योग्य नहीं है उनकी पूजा करी जाए, तो तीन काम होने ही होने हैं। दरिद्रता आएगी, मृत्यु आएगी, और हमेशा भय बना रहेगा। इंद्र और बृहस्पति युद्ध करना चाहते हैं कि हम शंकर की सेना को भगा दें। मना कर दिया बृहस्पति जी ने, बोले तुम शिव को नहीं जीत पाओगे, शिव को कोई नहीं जीत पाएगा। वीरभद्र के साथ विष्णु का यज्ञ हुआ, विष्णु ने वीरभद्र को संतुष्ट किया। दधीचि ऋषि युद्ध करने के लिए, दधीचि भी उस यज्ञ में आए हुए हैं। वहां पर छुभ नाम के राजा भी आए हुए थे। दधीचि शिव का
ओर ले रहे थे और ये शुभ नाम के राजा दक्ष की ओर ले रहे थे। दोनों आपस में संवाद बढ़ गया। दधीची कह रहे हैं ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, शुभ नाम का राजा कहता है नहीं नहीं हम क्षत्रिय सर्वदेव मयो नृप, हम राजा सर्वश्रेष्ठ हैं, सारे देवता हमारे अंदर निवास करते हैं। बात ही बातों में संवाद विवाद इतना बढ़ गया, दधीचि ऋषि को गुस्सा आया और एक घूंसा शुभ नाम के राजा के मार दिया। राजा की गर्दन टेढ़ी हो गई, राजा क्रोधित हो गया, वज्र लेकर के उसने दधीचि का शरीर काट डाला। जैसे ही प्राण निकल ही रहे थे कि उसी समय शुक्राचार्य का ध्यान किया और कहा हे शुक्राचार्य मेरी आप रक्षा करो। शुक्राचार्य प्रकट हो गए और कहा दधीचि मैं जो तुम बोलूं वो आप भी बोलो। त्र्यम्बकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्यो मोक्षीय मामृतात्। जैसे ही दधीचि ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया दधीचि के अंदर प्राण आ गए। ये महामृत्युंजय मंत्र शुक्राचार्य के द्वारा प्रकट किया गया है। शुक्राचार्य भी भगवान शंकर के भक्त हैं और दधीचि भी भगवान शंकर के भक्त हैं। त्र्यम्बकम् यजामहे, हम भगवान त्र्यम्बक का यजन करते हैं, आराधन करते हैं। त्र्यम्बक माने जो तीनों लोकों के पिता हैं, प्रभावशाली हैं, भगवान शंकर हैं। वे भगवान सूर्य सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत रज तम तीनों के महेश्वर हैं, आत्म तत्व विद्या तत्व और शिव तत्व के तीनों तत्वों के वो ही पति हैं। पृथ्वी जल एवं तेज तीनों के वही पति हैं। त्र्यम्बकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्, जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में तीनों गुणों में समस्त कृत्यों में इंद्रियों में अन्यान्य देवों में और गुणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतः सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्, उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विजश्रेष्ठ महामुनि नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। पुष्टिवर्धन माने पोषण करने वाले। उर्वारुक वंदनात् मृत्यो मोक्षीय मामृतात्, हे प्रभु जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है उसी तरह मैं मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद मोक्ष से पृथक ना हों। मुझे आप अभय प्रदान करें, अमृत तत्व प्रदान करें, मृत्यु का भय समाप्त कर दें। श्री दधीचि और श्री शुक्राचार्य ने भगवान शंकर का आराधन किया। तभी मां सभी देवता आ गए और उन्होंने शुभ से कहा कि तुम भी भगवान शंकर की प्रार्थना करो। शिव विरोध से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ है। हस्ताम भोज युगस्त कुंभ युगलात् दद्रत्यतो यम शिरो सिंचन्तं करयोर् युगेन ददतं स्वांगे सकुंभौ करो। अक्षस्त्र मृग हस्त मम्बुजगतम मूर्धस्त चंदस्त्रवत पीयूषाद्रतनुम भजे सगिरिजिम त्रिक्षम च भोजंजयम। बोलो शंकर भगवान की जय। सारे देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी। भगवान विष्णु दक्ष को लेकर के आए, दक्ष ने क्षमा याचना करी। शंकर जी ने एक जगह तो वर्णन है सिर काट दिया है और एक जगह सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया है। दोनों ही कथा शिव पुराण में है। देवताओं ने कहा हमारा ये हमारा यजमान है जिसका आपने सिर काट दिया, बिना यजमान के यज्ञ कैसे पूरा होगा। शंकर जी ने कहा जाओ जो पशु पहले मिल जाए उसका गर्दन काट लाओ। बकरे की गर्दन काट करके दक्ष के धड़पड़ लगा दी। वो भगवान शंकर को प्रणाम करने लगा। पूषा नाम के देवता के दांत तोड़ दिए थे नंदीश्वर ने। भगवान शंकर ने कहा इनके लिए दलिया प्रकट कर दो, ये दलिया खा करके जीवन व्यतीत करेंगे। और भृगु की दाढ़ी नोच ली थी शिव के गणों ने, बकरे की दाढ़ी उनके लगा दी गई।
परम दृष्टि परेशाम यदात्मन तन भविष्यति परेशाम क्लेदनम कर्म न कार्य तद कदाचन। शिव का विरोध कभी भी नहीं करना चाहिए और जो विरोध करता हो उसका साथ नहीं देना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा यहाँ जितने भी देवता विराजमान हैं कान खोल करके सुन लें, चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतनः सदा उत्तरोत्तर श्रेष्ठा तेषां दक्ष प्रजापते। हे दक्ष, तुम मुझसे विरोध करके विष्णु का आश्रय लेना चाहते थे, ब्रह्मा विष्णु और मैं स्वयं रुद्र, मैं शिव, हम तीनों बराबर हैं, हम तीनों में भेद नहीं करना चाहिए। हरिभक्तो हिमाम निंदेश तथा शैवो भविद्यति तयो शापा भवेयुस्ते तत्व प्राप्तिर्भवे नहीं। भगवान शंकर ने सती जी के शव को अपने दोनों भुजाओं में उठाया, पृथ्वी की परिक्रमा करी, जहां जहां उनके अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हो गई। इसी के साथ सती खंड का विराम हो रहा है, कल पार्वती खंड की कथा सुनेंगे, हिमालय और मैना का विवाह, मैनाक और पार्वती का जन्म, तपस्या, भगवान शंकर बरात लेकर के आएंगे, विवाह महोत्सव होगा और गणपति और स्वामी कार्तिक की उत्पत्ति तक कल हम लोग कथा श्रवण करेंगे। अब कीर्तन करें हमारे साथ और कीर्तन करते करते विराम के लिए बढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।